Good afternoon, everyone. My name is Sumit, and I'm from Servotech Power Systems Limited. So today we are here for the induction training of Sir Mitra. So before starting up this session, I would like to thank Mr. Sanjeev Ji from GM Sales, from our department, Servotech. And अब हम start करेंगे इस webinar को. तो इस webinar के जो हमारे stages हैं, वो तीन stages में divide हैं. और मैं आपको इसके webinar के stages के बारे में बताऊंगा. कौन कौन से हमारे वेबिनार के स्टेजेस हैं और इस प्रेजेंटेशन का कंटेंट क्या है. तो यहां से हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं. इसे बहुत से भी मेंबर्स जुड़ रहे हैं. मैं देख पा रहा हूं कि 105 मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी और मेंबर्स आ रहे हैं. तो 5 से 10 मिनट हम इंट्रोडक्शन के पार्ट को स्टार्ट कर देंगे, देन उसके बाद हम मेन कंटेंट की तरफ मूव करेंगे. तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे सर्वोटेक पावर सिस्टम्स की, हम बात करेंगे सर्व मित्रा के प्रोजेक्ट्स की, हम यहाँ बात करेंगे हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इसे आगे अपने कार्य में कैसे कैसे काम कर सकते हैं. यहाँ से हम कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करते हैं अबाउट सर्वोटेक. हम यहाँ इस कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन में सर्वोटेक के बारे में बात करेंगे, हमारी सर्वोटेक की जर्नी किस तरह से रही हम उसके बारे में बात करेंगे, हमारी नेशन वाइड प्रेजेंस यानी कि पूरे राष्ट्र में हमारा प्रेजेंस कैसा है उसके बारे में बात करेंगे, हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और सर पोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसके लिए पूरी की पूरी इंडक्शन ट्रेनिंग है. ये हमारी मेन कंपनी है जो कुंडली हरियाणा में स्थित है, जो हमारा प्लांट है. कंपनी के ओवरव्यू की बात की जाए तो हमारी कंपनी जो है वो विजन स्टेटमेंट के साथ चलती है, प्रोड्यूस ग्रीन टू लिव ग्रीन. और हमारी कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट है वो है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर को दें और हमारा कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आर मोर. टोटैलिटी में अगर बात की जाए तो हमारी कंपनी पिछले 17 सालों से कार्यरत है, पूरे के पूरे सेक्टर्स में काम कर रही है. एलईडी के क्षेत्र में कार्य कर रही है, यूवीसी के क्षेत्र में कार्य कर रही है, ईवी चार्जिंग के क्षेत्र में कार्य कर रही है, पावर बैकअप के क्षेत्र में कार्य कर रही है. और आगे हमारी कैसी कैसी जर्नी है, हमने किस तरह से हर एक माइलस्टोन को अचीव किया उसके बारे में बात करेंगे. तो आइए आगे बढ़ते हैं. तो इससे पहले आगे बढ़े हम बात करते हैं कि व्हाई सर्वोटेक, क्योंकि मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो ये कार्य कर रही है, बहुत से ऐसे सेम प्रोडक्ट हमारी तरह से लॉन्च कर रही है, लेकिन क्यों सर्वोटेक? क्योंकि एक कंज्यूमर और एक कस्टमर के औहदे से अगर मैं बात करूं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ क्यों जुड़े हैं, या हमारा ब्रांड कैसा है, या कोई ऐसी चीज है. तो उस तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमारी कंपनी 100% ग्राहक संतुष्टि की बात करती है, और ग्राहक संतुष्टि की अगर मैं बात करूं तो हमने 10 मिलियन से ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई किया है अपने प्रोडक्ट्स के जरिए. 10 कंट्रीज में हम अपना प्रोडक्ट बेच चुके हैं, और इसके अलावा भी हम और कार्यरत हैं. मेजर पीएसयू के प्रोजेक्ट्स की बात करूं, हम 100 से ज्यादा पीएसयू के प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं. मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो 20 से ज्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट पर हम काम कर चुके हैं. देन इसके बाद बात करें तो एजुकेशनल फैसिलिटीज जितनी होती है उसमें 25 से ज्यादा हम एजुकेशन फैसिलिटीज में काम कर चुके हैं. ऑल ओवर इंडिया में सिटीज कवर्ड अगर बात करें तो 600 से ज्यादा अधिक सिटीज में हम कार्य कर चुके हैं. तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हमने किस तरह से कार्य किया और कस्टमर्स को किस तरह से सेटिस्फाई अलग अलग सेगमेंट में किया. हेल्दी होम्स की बात करें तो 9500 से ज्यादा हमने हेल्दी होम्स पे काम किया. कॉर्पोरेट पार्टनर्स की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हमने कार्य किया है, 100 से ज्यादा कंपनीज के साथ हम जुड़ चुके हैं इस समय. और 6000 से ज्यादा हमने पेट्रोल पंप के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ. तो 6000 से ज्यादा पेट्रोल पंप प्रोजेक्ट पे काम किया. अगर बात करें कहीं पे भी आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं या नॉर्थ इंडिया में, तो मैक्सिमम एलईडी लाइट जो लगती है वो सारा के नाम से, सर्वोटेक के नाम से लगी हुई है, और 6000 से ज्यादा पेट्रोल पंप हमने इसके ऊपर कार्य किया. इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके आगे बढ़ने की, तो टोटल जर्नी की बात करते हैं और बात करते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से की, सर्वोटेक शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स है, और आज जहाँ हम 2022 पे खड़े हैं तो हम क्या यहाँ पे सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं. हमारी कंपनी एक भारत की कंपनी है और मेक इन इंडिया को हम बिलीव करते हैं कि मेक इन इंडिया को हम इसको आगे बढ़ाएं. तो भारत को आगे बढ़ाने के लिए, हम ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने के लिए हमने, हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छे इसके ऊपर कार्य किए हैं. और जो कार्य करते हैं किस तरह से कार्य किए हैं उसकी जर्नी मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ. 2004 की अगर मैं बात करूँ तो साइन वेव इन्वर्टर से हमने अपनी शुरुआत की थी सन 2004 से. 17 साल से हम कहाँ से कैसे पहुंचे हैं वो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं. 2005 की बात करें तो साइन वेव इन्वर्टर को हमने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिए. 2004 में हम डोमेस्टिक यूज कर रहे थे इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, 2005 में हम साइन वेव इन्वर्टर के साथ में आ गए. 2009 की बात करें तो हम एलईडी लाइट्स के प्रोडक्ट्स में हमने डील करना स्टार्ट कर दिया. एलईडी लाइटनिंग प्रोडक्ट्स जब मार्केट में अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही थी, एलईडी लाइट्स के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमारी कंपनी ने
एलईडी प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम दामों पर मुहैया करवाया अपने कस्टमर्स को, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और गुणवत्ता के अच्छी होने के कारण कस्टमर ने हमें बहुत ही अप्रिशिएट किया। 2012 की बात करें तो 2012 में हमने थ्री फेज यूपीएस को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लॉन्च किया और वहां से हमने इसे आगे बढ़ाया। 2014 की बात करें तो 2014 में हमने एलईडी सोलर लाइटनिंग सॉल्यूशन में कार्य किया, और जैसे कि 2009 में हमने एलईडी लाइटनिंग सिस्टम में काम किया था, तो हमने 2014 में सोलर और एलईडी का लाइटनिंग सॉल्यूशन के सिस्टम में हमने काम किया। 2017 की बात करें तो धीरे धीरे करते करते हमें आज इतने साल हो गए थे 2004 से 2017 में, तो अच्छे कार्य करने की वजह से हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कर लिया। जो स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं उस पर कार्य करते हैं तो उसमें पता होगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सन 2019 की, तो 2019 में हमने सर्व पोर्ट को लॉन्च किया, जिसके बारे में ये इंडक्शन ट्रेनिंग है और सर्व पोर्ट के बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक भी जानेंगे। सर्व पोर्ट क्या है, कैसे है, प्लग एंड प्ले ग्रिड क्या सिस्टम क्या होता है, रूफ टॉप सिस्टम क्या होता है, ये आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। 2020 की बात करूं तो 2020 में हम जानते हैं कि COVID-19 की वजह से कितनी समस्याएं हमारे देश में आई और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कितनी ज्यादा समस्या आती। तो समय सबसे बड़ी समस्या थी सैनिटाइजर की और ऑक्सीजन की। 2020 में सबसे बड़ी समस्या सैनिटाइजर की जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे सैनिटाइजर को हमें डिजिटल करना पड़ा। तो डिजिटल सैनिटाइजर हमने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम किया, बाहर की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और यूवीसी डिसइंफेक्शन प्रोडक्ट्स के साथ डील किया और इसको डिजिटल सैनिटाइजर के साथ आगे बढ़ाया। 2021 में हमने मेडिकल डिवाइसेस में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को आगे बढ़ाया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मार्केट में लॉन्च किए। COVID-19 में सबसे बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट थी और इसके लिए हमने अपने देश के लिए ये भी कार्य किया कि हम अपना एक योगदान दे सकें, और योगदान देने की वजह से हमने सर्वोटेक मेन बोर्ड में सेगमेंट में आ गई, जो जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मेन बोर्ड पे हम कैपिटल मार्केट सेगमेंट में हमने अपने आप को रजिस्टर किया। ऐसा करते करते 2022 की मैं बात करूं तो 2022 में हमने ईवी मार्केट के क्षेत्र में हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है और ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस के नाम से हम यहां पे ईवी चार्जिंग टेक्नोलॉजी में हमने कार्य करना आरंभ कर दिया। तो अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, हम यहां जानते हैं कि नेशन वाइड प्रेजेंस क्या है हमारी, और नेशन वाइड प्रेजेंस की बात करूं तो भारत के राज्यों में हम कहां कहां पर हैं, कहां कहां पे कार्य कर रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे हम, तो यहां पे हम स्टेट की बात करें तो हम नॉर्थ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ एरिया में हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं। साउथ की बात करें तो कर्नाटका, तेलंगाना, इस तरह के हम स्टेट्स में काम कर रहे हैं। वेस्ट की बात करें और अगर नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट सभी को मिला के बात करें तो असम, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हर एक क्षेत्र में हम, अगर आप हमारा मैप देख पा रहे हैं तो हमने हर एक राज्य पे कार्य किया हुआ। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इस वेबिनार के माध्यम से, हम ये पूरे का पूरा और बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए आपके साथ मिल, हम इकट्ठे मिलेंगे तभी मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा पाएंगे। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारी सर्वोटेक की रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में अलग अलग रेंजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एलईडी में भी हमने कार्य किया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में भी किया, पावर में भी किया। तो इसको करने से पहले अगर मैं बात करूँ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो आप देख रहे हैं कि डायनेमिकली कितना हम चेंज हो रहे हैं। तो डायनेमिकली चेंज होने के कारण ये है कि जैसे जैसे मार्केट में जो नीड आती रहती है और हमारी कंपनी का जो गोल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोड्यूस ग्रीन टू लिव ग्रीन, तो हम ऐसे प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में जिसकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग को ठीक किया जा सके। जैसे कि ईवी चार्जिंग, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है तो उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। एलईडी की बात करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम होता है। वैसे अगर सोलर की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो उससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी कम होते हैं और सोलर एनर्जी को यूज करके हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है तो एक हमने प्लांट को बचाया हुआ है यहाँ पे, तो इसी तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को बचाना चाहते हैं और इसी के लिए कार्यरत आगे हैं। और रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे 5 वर्टिकल हैं हमारे बिजनेस में। 5 वर्टिकल जो हमारे बिजनेस के हैं वो है एलईडी का एक बिजनेस है हमारा, सोलर का एक बिजनेस है हमारा, तीसरा पावर बैकअप का हमारा एक बिजनेस है, हमारा मेडिकल डिवाइसेस का एक बिजनेस है और ईवी चार्जिंग का एक बिजनेस है, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ सर्व मित्रा, वो हमारा सोलर का एक पार्ट है सर्व मित्रा। अब मैं आग्रह करूंगा कि इसके बारे में, हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में विवरण करें, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, हम कैसे कैसे मार्केट में लेके आए हैं और क्या क्या उसके कार्य हैं। मैं आग्रह करूंगा कि मिस्टर संजीव जी हमारे साथ यहाँ पर हैं और इसको आगे बढ़ाएं। संजीव जी प्लीज आप आगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर मिल रही होगी और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पहले कि आपने अपना कीमती समय निकाला और सैटरडे के दिन दोपहर को
थोड़ा आलस आता है इस टाइम पे जरूर, लेकिन इस टाइम पे टाइम निकाल के आपने ये सेशन अटेंड किया और आप ये मिल रहे हैं, और मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने काफी टाइम से हमारी टीम आपसे फॉलोअप कर रही थी, आपका पेशेंस लेवल जो रहा है, हमारी तरफ से थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन डिले हमारी तरफ से इसलिए हुआ है ताकि हम जो भी आपको दिखाएं, जो भी समझाएं, वो ऐसा हो कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इससे थोड़ा टाइम लगा है, तो उन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से कोई भूल चुक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। हम स्टार्ट करते हैं। सुमित जी ने आपको बहुत डिटेल में बताया कंपनी के बारे में, तो हमारा जो मेन पर्पस था आपको कंपनी के बारे में बताने का, वो ये था कि आप जिस कंपनी से जुड़ रहे हैं, कंपनी के बारे जब आप जान जाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, जब आप मार्केट में जाते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, बात करते हैं, वो एक अलग लेवल पे चला जाता है। तो हमारा एजेंडा आपको कंपनी के बारे में बताने का ये मेन था। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बता दूं जो आपके शायद थोड़ी नींद उड़ा देगी। जब ये सेशन खत्म होगा हमारा, तो सेशन खत्म होने के बाद आपको एक लिंक आएगा ऑनलाइन टेस्ट का। हम जो भी सेशन में बताएंगे की चीजें, उससे रिलेटेड छोटे सा आपको एक 20 सवालों का टेस्ट होगा जो भरना होगा आपको, तो उसके बारे में और डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या होगा, कैसे होगा। प्लस हम सेशन के एंड में Q&A भी रखेंगे, क्योंकि हम जो भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, उससे रिलेटेड आपके साथ कुछ ना कुछ सवाल होंगे जो आप जानना पूछना चाहेंगे। तो सेशन के बीच में ना रोके, हम सेशन के लास्ट में करेंगे हम लोग Q&A सेशन, जिसमें आपका जो भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहे तो लिख लीजिए उसको, ताकि आप भूल ना जाए, और हम उसको आपका जवाब देने में कोशिश करेंगे, आपके सवालों का सारा जवाब देने में। तो जैसे आपको सुमित जी ने बताया कंपनी के प्रीव्यू, विजन, मिशन स्टेटमेंट, वर्टिकल्स के बारे में, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि हमारे कौन कौन से वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल जो हमारा है सारा, बेसिकली LED का हमारा पहला वर्टिकल है, जिसको हम प्रमोट करते हैं ब्रांड नेम सारा से। तो अगर आप सर्च करेंगे सारा से रिलेटेड, तो आपको सर्वोटेक के प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। तो इसमें हम बेसिकली कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों सेक्शंस में हम डील करते हैं। तो कमर्शियल जनरली आपके कोई भी स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, कैनेपी लाइट, बे लाइट्स, एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट्स, वेल ग्लास लाइट, किसी भी तरह के लाइट्स हम आपको सप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में। किसी भी क्लाइंट को अगर रिक्वायरमेंट आती है आपके थ्रू या आपके सर्कल में किसी को जरूरत है, हम हर तरह की कमर्शियल लाइट सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके थ्रू हम आपके हिसाब से जो भी कस्टमाइजेशन है बना सकते हैं। तो सर डोमेस्टिक जो जनरली घरों में यूज होते हैं, LED बल्ब्स, बेटन ट्यूब्स, पैनल लाइट्स, डाउन लाइट, जो भी अलग अलग तरह के लाइट है, वो भी हम इनहाउस ही बनाते हैं, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग। जैसे सुमित ने आपको बताया कुंडली में हमारा एक प्लांट है जहाँ पे ये सब की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जो भी किसी भी तरह के मार्केट में जो LED लाइट्स अवेलेबल है, हम हर तरीके की लाइट्स बना और सप्लाई कर सकते हैं, और हमने काफी सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इसमें हमने काफी ज्यादा काम जो किया गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है, और उसमें हमारा नाम, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, रिलायबिलिटी, जो फीडबैक है, काफी अच्छा रहा है। इसमें हमारे कुछ की क्लाइंट्स रहे हैं, वैसे तो काफी लोगों ने हमने काम किया हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स का नाम बताना जो आपके रेफरेंस के लिए, ताकि अगर आपसे कल को कोई पूछे, कस्टमर या कोई हो, तो आपको पता होना चाहिए हमारे की क्लाइंट्स कौन से। ग्लास्को स्मिथ जो इंटरनेशनल एमएनसी है, उसके लिए हमने काम किया हुआ है LED में। हिंडवेयर के लिए हमने काम किया हुआ है। दिल्ली मेट्रो, जो जनरली दिल्ली में कभी आए हैं, दिल्ली में ट्रैवल किया, तो दिल्ली मेट्रो के बहुत सारे स्टेशन, जगहों पे हमारी लाइट्स लगी हैं। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप्स है, उस पर हमने काफी काम किया। सुमित ने आपको इनिशियली बताया था कि 6000 से ऊपर पेट्रोल पंप्स पैन इंडिया बेसिस पे हमने इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम में किए हैं। उसमें हमने लाइटिंग से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट थी सप्लाई की है, प्लस बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज है, ऐसी अलग अलग एजेंसीज के लिए हमने काम किया। तो ये हमारा बेसिकली जो डिटेल था, तो मैंने आपको बताया LED से रिलेटेड कि LED में हमारा क्या योगदान रहा है, कंपनी ने ओवरऑल क्या किया इतने सालों में। दूसरा हमारा जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये बहुत मुझे लगता है कि नीड ऑफ द आवर प्रोडक्ट था, क्योंकि इसकी खोज उसी टाइम पे हुई थी जिस टाइम पे हमारे देश में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। तो 2020 में जो आपको बताया कि जब सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, तो पूरा देश में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए बहुत ज्यादा मारामारी थी। शायद आपके सर्कल में, आपके रिलेटिव में, आपके कहीं ना कहीं जानने में लोगों ने कहीं ना कहीं परेशान हुए होंगे। तो उस टाइम जो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी हमारे सामने, वो थी कि इंडिया में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, तो हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे बाहर की कंट्रीज के लिए, क्योंकि ये पेंडेमिक ऐसा जो वर्ल्ड वाइड था, तो पहले सब अपने लोगों के बारे में सोचते फिर बाकी। तो हमारे मैनेजमेंट ने, स्पेशली रमन भाटिया जी ने स्टार्ट किया कि हम लोग खुद क्यों नहीं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाते हैं। तो विद इन फ्यू मंथ्स हमारी टीम ने, R&D टीम ने रिसर्च करी, रिसर्च करके बहुत सारी टेस्टिंग हुई, फिर हमने अपने सर्कल्स में दिया, फिर हमने धीरे धीरे इसको कमर्शलाइज किया। तो अभी हम इसमें जो सप्लाई कर रहे हैं 5 लीटर और 10 लीटर के मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सप्लाई कर रहे हैं। तो मेडिकल ग्रेड होता है जो आपका हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, हर जगह में यूज हो सकता है। इसमें काफी सारे हमने बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे UP गवर्नमेंट को हमने सप्लाई किया है, स्माइल फाउंडेशन को सप्लाई किया है, ऐसे बड़े बड़े सेक्टर्स में है। तो आप अगर हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल मिल जाएगी। तो ये इसमें हमने एक और एडिशन जो किया है, क्योंकि हमारा पॉइंट था कि अभी बहुत सारे लोग बाहर से मंगा रहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स,
एक टाइम के बाद लोगों को इसकी स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट भी होगी, इसलिए हमने रीब्रीथ नाम से इसका स्पेयर पार्ट्स का जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए भी हमने एक कंपनी लॉन्च करी वेबसाइट, जिसमें आप जाके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के रिलेटेड मॉलिक्यूलर सीव से लेके पाइप से लेके अलग अलग कंपोनेंट्स जो है ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम सिर्फ बनाने के अलावा जो अलग लोग बनाते हैं उनको सप्लाई करने का काम भी करते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में आपको हमारी मिल जाएगी। अगला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो पेंडेमिक के टाइम पे आया था, यूवीसी डिसइंफेक्टेंट डिवाइसेस। उस टाइम बहुत बड़ा एक आपके सामने भी चैलेंज रहा होगा, तो जनरली सबके था कि इतने बड़े लेवल पे किसी स्पेस एरिया को सैनिटाइज कैसे करें, क्योंकि अगर आप किसी केमिकल से सैनिटाइज करते तो जिस एरिया पे वो केमिकल गिरता है सर उस जगह पे वो सैनिटाइजेशन होता है। तो हमने जर्मन एजेंसी के साथ टाई अप करके रिसर्च करके एक प्रोडक्ट इनोवेट किया यूवीसी, जिसमें हमने प्रोडक्ट हमने निकाले 6 वॉट से 150 वॉट के, जिसमें अलग अलग मॉडल्स हमने निकाले जिसमें आपको कुछ एरिया स्पेस को आप सैनिटाइज कर सकते हैं। जैसे आप जो इमेज देख रहे हैं हमारा 36 वॉट का एक स्पेस सैनिटाइजर है, यूवीसी सैनिटाइजर, तो करीब 200 से 250 स्क्वायर फीट एरिया को सैनिटाइज कर देता है। जैसे हमारा एक मॉडल है 150 वॉट का जो रोबोट रख है, जो आपका 2000 से 2500 स्क्वायर फीट का एरिया सैनिटाइज कर सकता है। तो जनरली बेसिकली आपका निकलता है जहां पे आपको कोई स्पेस बड़ा एरिया सैनिटाइज करना हो उसके लिए। इसके बारे में आपको और डिटेल आप चाहिए तो आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। फिर हमारा ये पावर बैकअप्स में रिलेटेड जो हम काम करते हैं वो है सर्वो स्टेबलाइजर्स का। तो आप सबने एक टाइम पे काफी साल पहले हम लोग हमारे घरों में ऑफिस में हर जगह सर्वो स्टेबलाइजर अभी भी यूज होते हैं, कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लक्चुएशन आते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें दो मॉडल्स आते हैं जनरली, एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड, हम लोग दोनों बनाते हैं। तो इसमें हमारा कोई लिमिटेशन नहीं क्योंकि हमारे खुद की इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो अगर आपको 1 किलोवाट से लेके 100, 200, 500, 1000 कितने किलोवाट की रिक्वायरमेंट हो हमारी टीम इनहाउस बना के आपको दे सकती है विथ वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड्स। तो उसको हमने एक्सपोर्ट भी किया है काफी सारे इंटरनेशनल कंट्रीज में विद अ वेरी गुड फीडबैक। लोगों ने जो भी यूज कर रहे हैं मोस्टली हमारे क्लाइंट रिपीट और रेफरेंस रहते हैं। रिपीट रेफरेंस इसलिए होता है कि जहां हम काम करते हैं हमारे काम से संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तभी हमसे अगली जब कोई नया फैक्ट्री ऑफिस या घर में जब भी उनको रिक्वायरमेंट आती है ऐसे प्रोडक्ट की तो वो वापस सर्वोटेक को ही याद करते हैं। तो हमने काफी बड़े लेवल पे इस पे काम किया हुआ है। इसमें भी हमने कुछ की क्लाइंट्स पे काम किया जैसे जिको है, होंडा पावर प्रोडक्ट्स है, बीएसएफ आप सब जानते होंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके जगहों के लिए भी सप्लाई किया, जिंदल स्टील एंड पावर को सप्लाई किया है, गवर्नमेंट एजेंसी गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड, महावीर कैंसर संस्थान। तो ये कुछ की क्लाइंट्स है जो मैंने हमने निकाल के आपको शोकेस किया जस्ट फॉर रेफरेंस कि अगर आपको कुछ नाम याद करने हो तो वो कौन से नाम हो सकते हैं अगर आपको किसी के साथ शेयर करना हो। तो ये था हमारा पावर बैकअप में सर्वो स्टेबलाइजर्स बेसिकली। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है यूपीएस, यूपीएस भी बेसिकली आपका डोमेस्टिक कमर्शियल दोनों कैटेगरीज के लिए हम बनाते हैं। तो डोमेस्टिक अगर आपको अपने घर में कहीं यूज करना है, यूपीएस बैकअप चाहिए सिस्टम्स के लिए चाहिए, या आपको कमर्शियली चाहिए हाईवे 3 फेज सिंगल फेज किसी भी तरह का यूपीएस हम लोग बना और सप्लाई कर सकते हैं। तो हमने काफी बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट से कंपनीज में सप्लाई किया है, जेको है, एक्स्ट्रा मार्क्स है, इंडियन ऑयल है, हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, एच ई जैक्सन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये सब की क्लाइंट्स हैं हमारे जहां पे हमने यूपीएस सप्लाई किया है और इंस्टॉल किया है हमारी टीम ने। उसके अलावा जो हमारा मेजर सेक्टर है जो अभी एक्चुअली पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है सोलर सॉल्यूशंस, क्योंकि भारत गवर्नमेंट बहुत हाई लेवल पे इसको पुश कर रही है कि हम लोग कहना कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक वन ऑफ द सोर्सेज है कि हम लोग अपना जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं मोस्टली अभी इंडिया में जो एनर्जी जनरेट होती है वो थर्मल एनर्जी है जो बेसिकली कोल से बनती है, उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बनता है। तो दिल्ली जैसे हम लोग दिल्ली जैसे जगह पर रहते हैं तो हर साल 3 से 4 महीने ऐसे पीरियड आते हैं हमारे जहाँ पे हम लोगों को ये सफर करना पड़ता है। और इसका बहुत मेजर जो एक रोल होता है वो आपका होता है कोल से जो थर्मल प्लांट से जो पॉल्यूशन निकलता है, तो उसको कुछ ना कुछ कम करने के लिए सोलर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो उसमें सोलर में हम लोग प्रोजेक्ट्स और चैनल्स दोनों में डील करते हैं। प्रोजेक्ट्स में जनरली हम लोग ईपीसी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो ईपीसी बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमिश्निंग, हम टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को अपने घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, प्लांट में, फार्म हाउस में, कहीं भी अपने हिसाब से कस्टमाइज करके सोलर लगवाना है तो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट नीड के हिसाब से हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। चैनल सेल्स पे हमने भी कुछ महीनों पहले ही शुरुआत की है। तो अभी फिलहाल जो हमने टच बेस जो शुरू किया है वो 4-5 स्टेट्स में है, जो आपका है यूपी, पंजाब, बिहार, हरियाणा, इन स्टेट्स पे अभी इनिशियल हमने शुरू किया है चैनल सेल्स का। लेकिन आने वाले ग्रेजुअली कुछ टाइम में हम इसको पैन इंडिया में हर स्टेट्स में हमारे चैनल पार्टनर्स होंगे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आपका रिलेटिव या आपका कस्टमर कोई भी इजिली परचेज कर सकता है। इसमें हम लोग प्रोडक्ट्स जो अभी बनाना शुरू किए, पीसीयूज है, चार्ज कंट्रोलर्स है, मैनेजमेंट यूनिट है, स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट में हम लोग ऑल इन वन सेमी इंटीग्रेटेड दोनों तरह के स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। सोलर बैटरीज है हमारे पास खुद की,
सोलर पैनल्स। तो ये सब प्रोडक्ट्स हम खुद ही बनाते हैं, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और हम आपको कस्टमर के जैसे भी रिक्वायरमेंट हिसाब से सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर जो है जो हमने भी स्लाइड में ऐड नहीं किया लेकिन वो हमारा पार्ट है, वो ईवी का। ईवी को हमने इसलिए भी स्टार्ट किया कि ईवी हमने रिसेंटली भी स्टार्ट किया, तो हमारी टीम मेनली आरएनडी कर रही है, तो आने वाले टाइम में ईवी चार्जर्स प्रोवाइड करने वाले वन ऑफ द मेन की प्लेयर्स पूरे इंडिया में हम एज अपने आप को स्टेबलाइज प्रमोट करना चाहते हैं, हमारे प्लान है। तो उसके बारे में थोड़े वर्किंग चल रही है, जैसे ही वो प्लान पेपर में आ जाएगा विल ऐड दैट ऑल्सो। उसके बारे में जो भी डिटेल्स है आपके रेफरेंस के लिए विल शेयर इट। आई होप कि मैंने अभी तक जितना बताया बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, मैं चाह रहा था बस आप थोड़ा कंपनी का ओवरव्यू समझ ले। अब जो है सेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस प्रेजेंटेशन का, जिसके बारे में हम इसमें आपको सरपोर्ट से हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। सरपोर्ट वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से सर मित्रा प्रोजेक्ट आया। तो आप सबने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने हर जगह सर मित्रा प्रोजेक्ट, सर मित्रा प्रोजेक्ट, सर मित्रा प्रोजेक्ट। तो सर मित्रा प्रोजेक्ट इज बेसिकली सरपोर्ट के को प्रमोट करने के लिए, उसकी सेल को पैन इंडिया बेसिस पे ओवरसीज वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। तो सरपोर्ट को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो सरपोर्ट इज द फ्यूचर ऑफ पोर्टेबल सॉल्यूशन ऑफरिंग पावर जनरेशन एंड स्टोरेज। जब मैं ये लाइन बोलता हूँ, इस लाइन में सबसे एक कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है पोर्टेबल, क्योंकि जनरली आपको सोलर सॉल्यूशन तो मिल जाता है जिसमें पावर जनरेशन मिल जाती है, स्टोरेज मिल जाता है आपको ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड में, लेकिन पोर्टेबल सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था लोगों के सामने कि यार मैं सोलर लगवाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा रेंटेड फ्लैट है या मेरा स्पेस ऐसा है जहां पे मैं कुछ महीनों के लिए लगाना चाहता हूँ, परमानेंट स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता, मैं सोलर लगवाऊंगा तो मेरी जगह खराब हो जाएगी। सो इट्स बहुत सारे सवाल। तो मेरे हिसाब से उन सारे सवालों का जवाब है सरपोर्ट। तो जो जो लोग लगवाना चाहते हैं और किसी इनमें से किसी वजह से रुके हुए हैं, उनके लिए सरपोर्ट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में आगे और डिटेल में बताऊंगा कि सरपोर्ट क्या है, क्या इसके फीचर्स है, बेनिफिट्स है, कैसे लगता है, क्या होता है, क्या क्या इसके मॉडल्स वर्जन है। बट मैं आपसे चाहूंगा कि इस टाइम अब इस स्लाइड से आप थोड़ा ज्यादा अटेंशन में थोड़ा डिटेल में सुने, क्योंकि अब जैसे ये स्लाइड खत्म होगी तो हम डायरेक्टली Q&A में जाएंगे जहाँ पे आपको जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक के जो सेशन से रिलेटेड सवाल है आप चाहे तो लिख सकते हैं, सेशन खत्म होने पे हम आपसे पूछ लेंगे। तो ये है बेसिकली सर पोर्ट का लुक, ये है प्रोडक्ट। मैं चाहता था कि मैं प्रोडक्ट के बारे में जब बात करूं उससे पहले आपको प्रोडक्ट की एक इमेज दिखा दूं। मैं चाहूंगा आप सबसे एक बार आप प्रोडक्ट को ढंग से देख लीजिए, बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत मतलब इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका स्पेस खराब ना हो। मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा लेकिन मैं चाह रहा था कि आप एक से दो मिनट कुछ सेकंडों के लिए इस इमेज को ढंग से देख लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में इस प्रोडक्ट को आप पैन इंडिया में बहुत सारी जगह लगे हुए देखेंगे। अभी ऑलरेडी बहुत सारी जगह लगा हुआ है लेकिन आपके सपोर्ट से हम लोग मिलकर इसको पैन इंडिया बेसिस पे बहुत बड़े लार्ज लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। आई होप आपने ये इमेज देख ली होगी। मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ। तो सरपोर्ट बेसिकली है क्या? तो सरपोर्ट इज अ सोलर पीवी सिस्टम विच यूज सनलाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली नॉर्मल सोलर सिस्टम की तरह है जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मेन इसका ये पोर्टेबल है, प्लग एंड प्ले सिस्टम है, आपको कोई अलग से वायरिंग कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपने इंस्टॉल किया, कुछ घंटों में ये आपका इंस्टॉल हो जाता है। फिर ये स्टैंडर्ड तो उसके साथ आता है और ये जनरली आपको 8-10 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है थ्रू इन्वर्टर के थ्रू। तो ये इसमें आपको नेट मीटरिंग, अदर रिलेटेड पेपर, इन सब की जरूरत नहीं होती जनरली। और ये 100% बेसिकली सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, इसमें कोई ग्रिड को आपको पावर सप्लाई बैक करने की जरूरत नहीं है। तो ये जैसे आप इमेज देख रहे हैं, इमेज में हमने कुछ की पॉइंट डाले तो मैं एक एक करके आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप मेरा एरो देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट है इसमें वाटर टाइट रूफ। तो जो हमने डिजाइन बनाया है तो हमारा पहला क्वेश्चन आया कि जब कोई इसके नीचे बैठेगा बारिश में ऐसे किसी मौसम में अगर पानी गिरेगा तो उसका मुझे लगता है काम फीचर काम नहीं करेगा, जिस पर्पज के लिए बनाया तो लोगों को दिक्कत होगी। तो हमने इसको बनाया जो वाटर प्रूफ है, जिसमें से अगर जब बारिश हो कुछ हो इसमें पानी नीचे नहीं गिरेगा, वाटर टाइट प्रूफ है बेसिकली ये। दूसरा हमने जो इम्पोर्टेंट फीचर बनाया, क्योंकि ये मोस्टली ओपन एरिया में लगेगा आपके छतों में, पार्क में, फार्म हाउसेस में, जहाँ ओपन एरिया में, तो वहां पे हमने इसका एक इनबिल्ट बैटरी लगाई है इसके अंदर, जिसके अंदर 8 वॉट की एक लाइट लगी है LED, जो सेंसर बेस्ड लाइट है। तो जैसे रात होगी ये लाइट अपने आप आपकी ऑन हो जाएगी डार्क होने पर और सेंसर बेस्ड होगा। जैसे इसके आसपास कोई मूवमेंट ये देखेगा तो मैक्सिमम ग्लो करेगा, जब कोई मूवमेंट नहीं होगी तो ये लाइट ग्लो करेगा। तो इसको अलग से कोई बैकअप की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में बैकअप के थ्रू इनबिल्ट बैटरी है इसमें लाइट में जो चलेगी।
तो हमने एक एडिट किया इसके लोकेशन को ध्यान तक लगेगा कहाँ जनरली, और इसमें आराम से बेसिकली 8 लोग आपके बैठ सकते हैं। तो हम लोग ने बैठ के ट्राई किया है, तो जनरली मेरे साइज के स्टैंडर्ड लोग 8 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं विदाउट टू हॉच पॉच। अगला फीचर है जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, 116 एम्पीयर का एक सॉकेट आता है जो डायरेक्ट आप प्लग करके लगा के इसके इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं। एक जो काफी इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट रखा है जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है इसका सस्टेन रहना। क्योंकि जनरली जैसा आप सब जानते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा है सोलर जो आपके ओपन स्पेसिस में लगता है, तो ओपन स्पेसिस में हवा तूफान ऐसे कोई पीरियड में अगर जब लगेगा तो उसका स्ट्रक्चर को मजबूत रहना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर डिजाइन ऐसा किया है कि 180 से 200 किलोमीटर की स्पीड को ये सस्टेन कर सकता है, और जनरली इससे ऊपर की स्पीड आती नहीं है, इस लेवल की स्पीड को आराम से कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा इसमें जो सीट्स बनी हुई है आप देख रहे हैं, इस सीट्स में आप वाटर फिल कर सकते हैं। तो ये 4 सेक्शन में सीट बनी हुई है, हर एक सेक्शन में अप्रॉक्स 150 लीटर पानी आ सकता है। उसका डबल बेनिफिट है, एक तो ये कि आप जब बैठेंगे तो आपको कूलिंग मिलेगा, प्लस आपके बैटरी इन्वर्टर जो इनबिल्ट है स्टोर्ड है उनको कूलिंग मिलेगा, तो आपके जो कंपोनेंट्स है प्रोडक्ट के वो कूल रहेंगे। बाय डिफॉल्ट डिजाइन इसकी फिक्सिंग ऐसी होती है कि इसमें आपके सीट्स पे इतनी धूप पड़ती नहीं, तो आपकी बैटरी को बेसिकली एक शेडो भी ऑल द टाइम मिलती ही रहती है। फिर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है बताया कि इस पे क्विक एंड इजी टू इंस्टॉल है, 6 पैनल्स इसमें लगे हैं 400 वॉट के। ये सब डिटेल में आपको बताऊंगा, ये बेसिकली सर्वपोर्ट का एक ओवरऑल व्यू था की इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको आगे जब आप क्लाइंट से मिलेंगे बताने बेचने में आपको काम आएगा। और ये सर्वपोर्ट जो है MPPT बेस्ड हाइब्रिड इन्वर्टर पे काम करता है, ये एक पॉइंट था मैं आपको सोचा बता दूं। तो ये वर्क कैसे करता है, तो वर्क बेसिकली 3 सिंपल स्टेप है जिसपे वर्क करता है। कोई भी कस्टमर जब इसको ऑर्डर करेगा, ऑर्डर आने के बाद उसको मिलेगा, ऑर्डर मिलने के कुछ घंटों के अंदर, तो जनरली एक सर्वपोर्ट को इंस्टॉल करने में मैक्सिमम 3 से 4 घंटा लगता है। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं फिर से रिपीट कर देता, आपको लगा होगा शायद जो सोलर फील्ड में काम कर रहे हैं कि मैंने गलत बोल दिया, 3 से 4 दिन नहीं, 3 से 4 घंटे में एक सर्वपोर्ट इंस्टॉल हो सकता है विद ऑल द फिक्स्चर्स। इतना ईजी है इसको इंस्टॉल करना, 3 से 4 घंटे, और इसको अनइंस्टॉल करने में 1 से 2 घंटा। जनरली अगर कोई अपनी जगह लगाता है और उस टाइम बाद वो मूव ऑन होता है तो इसको आराम से अनइंस्टॉल करके ले आ सकता है पैकिंग के साथ। इसको पैकिंग बहुत सिंपल है, अनपैकिंग बहुत सिंपल है, इंस्टॉल करना और भी सिंपल है। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट है सिस्टम, कि आप जैसे लगाया आपने इंस्टॉल किया डायरेक्ट कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं, तो आपको कोई पेपर वर्क सिस्टम की जरूरत नहीं है, तो इट्स बेसिकली ईजी टू यूज। तो बहुत 3 स्टेप में कोई भी कस्टमर इसको यूज कर सकता है, ऑर्डर करे, असेंबल करे और कनेक्ट करे, ये सब आपका कुछ टाइम के अंदर। की बेनिफिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर्वपोर्ट जैसे मैंने आपको कहा था कि इंटरनेशनली डिजाइन PV सिस्टम है जो आपके स्पेस को स्पेस ऑफ वर्थ में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली अगर मैं इसको बोलना चाहूंगा तो एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है विद इंडियन इनोवेशन। टेक्नोलॉजी तो जर्मन है लेकिन हमने इसको इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन दिया है इंडियन नीड्स के हिसाब से, तो हमने कुछ चेंजेस किए हैं अपने। तो इसमें जो की फीचर्स है, जो बेनिफिट्स है बेसिकली आपके, वो पहला है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, तो आपका जो क्योंकि आपका डायरेक्ट प्लग इन प्ले है, आप जब सोलर आएगा आप यूज करेंगे तो 30-50% आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिडक्शन आएगा। दूसरा जो फीचर है कि आप जो भी कॉस्ट लगा रहे हैं और कॉस्ट आपके 5 से 6 साल में रिटर्न हो जाएगी पूरी, जो भी आपके परचेज करेंगे 5 से 6 साल में हो जाएगा रिटर्न। तीसरा है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम सब कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के लिए सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड सुनते हैं, चीजें पढ़ते हैं करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ पाता कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप इस प्रोडक्ट के थ्रू एक आपका छोटा स्टेप है टुवर्ड्स द ग्रीन रेवोल्यूशन। चौथा जो हम लोग प्रोडक्ट है, जो फीचर बेनिफिट है इसका, वो है क्वालिटी एंड सेफ्टी कंप्लायंस। जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, तो हमने जो इसको डिजाइन किया था तो हमने क्वालिटी और सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी में रखा था, कि हम क्वालिटी और सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। इसके जो क्वालिटी और सेफ्टी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर रखे, तो क्वालिटी सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% कंप्लायंस की है, क्योंकि बहुत इजी स्ट्रक्चर है, इसमें मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है। जैसे आप जब सोलर स्ट्रक्चर लगवाते हैं अपने घर में तो आपको बहुत ज्यादा उसकी मेंटेनेंस वायरिंग देखनी होती है, ये सारे क्योंकि इनबिल्ट है कवर्ड है, तो आपको मेंटेनेंस में आपको पैनल्स की क्लीनिंग करनी थी, जो हम आपको स्प्रिंकलर के थ्रू देते भी है। अगला जो है ऑल वेदर फ्रेंडली है। ऑल वेदर फ्रेंडली मतलब किसी भी इंडियन वेदर पे ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमने इसको काफी टेस्ट किया है। उसका स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, स्पेशली डिजाइन बनाया था कि गैल्वनाइज्ड, उसमें पाउडर कोटिंग है जो आपका मिनिमम 10 साल तक बेयर कर सकता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ऑल वेदर फ्रेंडली, हर वेदर को सपोर्ट करता है, इंडियन वेदर को, चाहे बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, हर वेदर को सपोर्ट करता है। और जो प्रोडक्ट लाइफ है बेसिकली 25 साल की है, एज जो आपके जनरली जो आपके सोलर प्रोडक्ट्स होते हैं
आपकी मिनिमम 25 जो लाइफ है 25 साल की है, और जो मेन इसका फीचर है जो इसको बिल्कुल स्टैंड आउट करता है अलग सोलर सिस्टम से, वो है इजी टू इंस्टॉल एंड री इंस्टॉल। आप इसको आराम से 3 से 4 घंटों में इंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ घंटों में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके की बेनिफिट से जो आप जब कस्टमर से मिलेंगे बात करेंगे तो आपको बताने के लिए जरूरत पड़ेगी ये सब चीजों की। अगला है बेसिकली फीचर्स। तो जैसे मैंने बताया कि सर्पोर्ट इज अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स द ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर हो बेटर हो, ग्रीन हो। तो ये एक कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए एक छोटा स्टेप है टुवर्ड्स द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जैसे मैंने बताया कि फीचर्स में आपको इजी टू इंस्टॉल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, डू इट योरसेल्फ है, तो आप खुद जल्दी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में टाइम कम लगता है, अनइंस्टॉल करने में और कम टाइम लगता है। पोर्टेबल है, आप इसको अनइंस्टॉल करके अगर आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी या घर शिफ्ट कर रहे हैं तो आप इसको आराम से इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। फिर स्पेस ये कम लेता है। तो जनरली आप सबके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कितना स्पेस लेता है। तो ये जो स्पेस लेता है एक सरपोर्ट, वो है 100 square feet ऑफ एरिया। एक सरपोर्ट को लगाने के लिए आपको 100 square feet ऑफ एरिया चाहिए होता है, दैट्स इट। उसमें आपका जनरेट एरिया फिक्स हो जाता है प्रोडक्ट। उसके अलावा इसका क्लीनिंग सिस्टम जो हमने निकाला है कि जनरली जब सोलर लगाते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा लोग सोलर लगा लेते हैं, लेकिन जब आप कभी जाएंगे ट्रैवल करके, मैंने दिल्ली में बहुत सारी जगह पे देखा है कि जब पैनल लगे होते हैं पैनल पूरे डस्ट से कवर होते हैं क्योंकि वो क्लीन नहीं करता। इसमें हमने एक स्प्रिंकलर सिस्टम दिया है जिससे आप सिर्फ एक बटन के थ्रू इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये हफ्ते में 3 दिन में 5 दिन में लुकिंग एट द एरिया आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अगला फीचर इसका प्लग एंड प्ले, जो मैंने बताया कि आपने प्रोडक्ट लगाया, आपने सॉकेट से कनेक्ट किया, यू कैन। और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है कि आपने कोई भी चीज अपने अगर घर में लगाई है, कहीं भी लगाई है, अगर आप उसको एक ऐप के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे आज के टाइम में हमारे सारे बैंकिंग अलग अलग जो भी चीजें हैं सब ऐप के थ्रू, इसमें भी हमने एक फीचर दिया है कि आप जो भी एक्टिविटी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी आप ऐप के थ्रू इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप जो प्रोडक्ट जो भी कस्टमर खरीदेगा अपने पास लगवाएगा उसको इसमें एक ऐप मिलेगा जिसके थ्रू इसको रेगुलरली मॉनिटर कर सकता है कि कितना जनरेशन हुआ, क्या हुआ, कैसे रहा, ऑल दोज डिटेल्स। तो ये बेसिकली आपके की फीचर्स थे, इजी टू इंस्टॉल, पोर्टेबल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, स्पेस कम लगता है, डू इट योरसेल्फ, क्लीनिंग सिस्टम है इसमें, इंस्टॉलेशन टाइम इज वेरी लेस, प्लग एंड प्ले, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ऐप थ्रू विच यू कैन मॉनिटर ऑल दिस डिटेल्स। अगला आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई इसमें और नॉर्मल स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है। मैं आपको कुछ की डिफरेंसेस है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, मैं कुछ की फीचर्स डिफरेंसेस निकाल के रखे हैं एक सरपोर्ट में और ट्रेडिशनल जो आपका रूफटॉप सॉल्यूशंस लगता है सोलर का, उसके बीच में डिफरेंस। तो पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है सरपोर्ट जो पोर्टेबल है। तो अगर कोई रेंटेड रहता है, फॉर एग्जाम्पल जनरली बहुत सारे लोग होते हैं जो रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और वो सोलर लगवाना चाहते हैं लेकिन वो इस वजह से रुक जाते हैं कि मैं इस कॉस्ट को बेयर करना नहीं चाहता क्योंकि मैं परमानेंट या रखूंगा नहीं, 5 साल 10 साल किया प्रोविजन पे, कुछ पीरियड के लिए गए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये फीचर ऐसा है कि आपने लिया, आपने यूज किया, अगर आप जब उस जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे तो आप इसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उस पर फिक्स्ड है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। अगर आपको मूव करना है तो ऑलमोस्ट काफी खर्चा, वो स्ट्रक्चर तोड़ के आपके नई जगह के हिसाब से कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाना, डिजाइनिंग, तो ऑलमोस्ट काफी बड़ा कॉस्ट आपको फिर से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि सरपोर्ट के केस में नहीं है। इंस्टॉलेशन टाइम, आज के टाइम इज वैल्यू, कोई भी जनरली चाहता नहीं कि उसके घर में कोई सिस्टम लगे और 8-10-15 दिन तक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लगा रहे हैं, साइट विजिट हो रही है, डिजाइनिंग बन रही है, प्रोडक्ट आ रहा है, फिर टीम आ रही है, तो 10-15 दिन जनरली इस पूरे प्रोसेस में चले जाता है, जो कभी कभार बहुत सारे लोगों के लिए हेक्टिक होता है। लेकिन सरपोर्ट में ये सारी चीज एक दिन में, प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा सुबह और दोपहर तक आपका इंस्टॉल हुआ और शाम तक आपने यूज करना शुरू कर दिया, दैट्स सो सिंपल। तो ये आपकी दो चीजें ऐसी जो सरपोर्ट को स्टैंड आउट करती है ट्रेडिशनल सिस्टम से। अगला जो है कि इसको इजी करना है, इसके लिए अलग से आपको वायरिंग की जरूरत नहीं है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है आपको अगर आप लगा रहे सिस्टम छत पे तो आपको वायरिंग लानी है, अर्थिंग लानी है, बहुत सारी चीजें करनी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट प्लग पे करना है और कनेक्ट कर सकते हैं। अगला जो फीचर है जो ऑन ग्रिड वाले में आपको मिलता नहीं है जनरल ट्रेडिशनल में, वो है बैकअप। इसमें हमारे जो एक्सेप्ट जो पहला वाला एक मॉडल है जिसमें आपका बैटरीज नहीं, उसके अलावा जितने मॉडल्स है उसमें बैटरी के साथ है, तो आप अपना बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी लाइट जाती है तो आप जितना भी यूनिट जनरेट हो रहा है जो आप यूज कर रहे हैं उसके अलावा जितनी भी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स बनेंगे वो आपके बैटरी में स्टोर हो जाएगी, जो आप लाइट जाने पे या रात को क्रूशियल पीरियड में यूज कर सकते हैं, जो आपको नॉर्मल ऑन ग्रिड ट्रेडिशनल सिस्टम्स में नहीं मिलता। अगला जो फीचर जो डिफरेंस वो है कि नेट मीटरिंग आपको इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि आपको ट्रेडिशनल ऑन ग्रिड सिस्टम में नेट मीटरिंग लगानी होती है
और नेट फिल्टरिंग एक्चुअली काफी लंबा प्रोसेस है जिसमें आपको टीम कंपनी इंस्टॉल कर रही है, क्योंकि हम लोग ईपीसी करते हैं तो हम लोग इस फील्ड में दिखते हैं जहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क होता है, तो क्लाइंट जनरली उससे भागता है कि उसको साइन करना, फिर एक टीम ऑडिट करने आएगी डिस्कॉम से उसके घर में, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर पेपर जाएगा, तो एक प्रोसेस होता है लंबा, तो कभी कभार कुछ लोगों के लिए हेक्टिक हो जाता है। इसमें आपको वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं, इट्स अ प्रोडक्ट विच यू कैन गेट इन, आप लेके आइए, खरीदिए, आपको मिलेगा, आपके इंस्टॉल होगा, कोई मीटरिंग की जरूरत नहीं है। आपको मीटर में कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट, क्योंकि मीटर लग ही नहीं रहा जबकि उसमें होता है, क्लीनिंग सिस्टम आपको इसमें मिलता है, उसमें जनरली आपको अपना मैनुअली जाके क्लीनिंग करनी पड़ती है विथ पाइप लगा के कुछ ना कुछ, इसमें सेल्फ क्लीनिंग आपको ऑप्शन मिल रहा है। अगला जो मेन फीचर है वो है स्पेस। आपका जो जनरली जो 10 स्क्वायर मीट एरिया जो आपका लगता है सरपोर्ट में, उससे डबल एरिया आपको अप्रोक्सीमेटली लगता है ट्रेडिशनल सिस्टम को इसी साइज के लगाने के लिए, आपका एरिया भी बच रहा है। प्लस एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो एरिया बच रहा है प्लस जिस एरिया में सरपोर्ट लग रहा है उस एरिया में आप बैठ भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, जबकि जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है वहां पे आप उस एरिया को यूज नहीं कर सकते, वो आपका सिस्टम लग गया और ऑक्यूपाई हो गया, उसमें कुछ हो नहीं सकता। सिस्टम क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो ट्रेडिशनल वाले में स्टैंडर्ड नहीं है, ओएम की डिजाइन स्ट्रक्चरिंग के हिसाब से होता है। मॉनिटरिंग कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पी पोर्ट का एक ऐप है सरपोर्ट का, इसके थ्रू आप रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम में ये मॉनिटरिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इधर वो नेट मीटरिंग के थ्रू होता है या मैनुअल होता है आपको। तो ये सारे की फीचर्स है। तो जो मेन फीचर्स मैंने बताया कि पोर्टेबल है, फिक्स नहीं है ट्रेडिशनल वाला की तरह, विद इन अ डे इंस्टॉल हो सकता है, प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, अलग से वायरिंग की जरूरत नहीं है, बैकअप मिलता है, मीटरिंग की जरूरत नहीं है, स्पेस कम लेता है, प्लस जो स्पेस लेता है उस स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उस स्पेस आपका खराब नहीं हो रहा, फिर आप ऐप के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंस, ट्रेडिशनल और सरपोर्ट के बीच में जो की डिफरेंसेस थे मैंने आपको बताया। इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो आप जब जाएंगे मार्केट में देखेंगे तब एक्सप्लोर करेंगे। तो अगला मैं आपको, ये है हमारे 4-5 मॉडल्स। तो जनरली आप में से हम सब बहुत सारे लोग गाड़ियों के शोरूम गए होंगे, अपने गाड़ियों के शोरूम में अलग अलग वेरिएंट देखे होंगे कि भाई ये वाला मॉडल है, ये वाला मॉडल है, वो वाला मॉडल है। वैसे हमने सरपोर्ट जब डिजाइन किया तो हमने, क्योंकि इंडिया में हर एक बंदे की नीड्स रिक्वायरमेंट सब कुछ अलग अलग होती है, तो हमने ऑलरेडी कस्टमाइज करके नीड्स रिक्वायरमेंट बना दी कि किसको कैसा चाहिए होगा, उसके हिसाब से कस्टमाइज हमने बना दिया। तो हमने इसके 5 मॉडल्स निकाले हैं, तो हर मॉडल्स को हमने एक नाम दिया है, उसके एक बेसिक फीचर्स है। तो हमने जो पहला जो दिया है आपका वो है एनर्जी जेट, ये टॉप मॉडल है हमारा। सबसे पहला आप ये जो मॉडल देख रहे हैं जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये एनर्जी जेट मॉडल है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर, बेंच, बैटरी, इन्वर्टर, स्प्रिंकलर सब कुछ मिलता है कंबाइंड। ये हमारा टॉप मॉडल है जिसमें आपको बैटरी बैक 4.8 किलोवाट का मिलता है, इसमें ये पूरा स्ट्रक्चर के साथ है। तो एनर्जी जेट ये हमारा टॉप मॉडल है। सेकेंड जो मॉडल है हमारा एनर्जी 45। तो एनर्जी 45 एनर्जी जेट के बीच में बस एक चीज का फर्क है, वो है फर्क आपका की बैटरी बैकअप का। जहां आपको एनर्जी जेट में 4.8 किलोवाट का बैकअप मिलता है, वही आपको एनर्जी 45 में 2.4 किलोवाट का बैकअप बैटरी बैक मिलता है। तो ये है आपके फर्स्ट और सेकंड मॉडल्स, जिसमें आपको लिथियम बैटरी मिलती है। तो ये मेन जो पॉइंट जो है, लिथियम बैटरी आप देखेंगे तो मार्केट में अभी बैटरीज के सेक्टर में सबसे टॉप क्वालिटी बैटरीज है, जिसकी लाइफ जनरली 7-10 साल की होती है, और क्वालिटी आउटपुट जो आपको मिलता है वो ज्यादा अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बैटरीज। तो हमने जो टॉप मॉडल जरूर दिए है उसमें लिथियम बैटरीज हमने दी है। अगला जो मॉडल है हमारा एनर्जी रैप, इसमें आपको सेम बेंच, स्ट्रक्चर, बैटरी सब मिलता है, बस जो बैटरी आपको मिलती है वो लिथियम की जगह SMF बैटरी मिलती है। तो एनर्जी रैप में आपको 4.8 किलोवाट की बैटरी बैकअप मिलता है, बट आपको जो बैटरी मिलती है वो SMF बैटरी मिलती है। अगला जो मॉडल है हमारा वो एनर्जी कोलेट्रल का। तो एनर्जी कोलेट्रल, एनर्जी रैप में जो डिफरेंस है बेसिकली बैटरी बैकअप का है। तो बैटरी बैकअप जहां आपको एनर्जी रैप में मिलता है 4.8 किलोवाट, वहीं आपको एनर्जी कोलेट्रल में 2.4 किलोवाट का मिलता है। तो ये बेसिकली हमारे 4 मॉडल थे। सर पांचों मॉडल जो एनर्जी फोकस है। तो बहुत सारे लोगों को हमारा फीडबैक आया कि हमें सीट्स नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से कुछ स्ट्रक्चर बना लेंगे, लगा लेंगे, हम हमें स्ट्रक्चर दे दो। तो हमने उनके लिए निकाला जहाँ पे सर पैनल्स होगा वो प्लग एंड प्ले करके यूज कर सकते हैं जो यूनिट जनरेट होगी। तो इसमें आपको बैटरी, बेंच कुछ नहीं मिलता, बस पैनल और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको वो यूज कर सकते हैं। तो ये 5 मॉडल्स हैं जिसमें हम लोग अलग अलग वेरिएंट दिए हैं। तो पहला मॉडल मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका जो रेट है, जो प्राइसेस है वो मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। जो टॉप मॉडल है हमारा वो सबसे कॉस्टली है, और जो एनर्जी फोकस वाला है वो सबसे सस्ता वाला मॉडल है।
जैसे जैसे फीचर बढ़ रहे हैं रेट बढ़ता जा रहा है, तो इसमें से कस्टमर का चूज का ऑप्शन है कि उसको आपके लिए नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा लगवाना है। तो ये बेसिकली 5 प्रोडक्ट्स थे, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला मॉडल है हमारा टॉप मॉडल जो है एनर्जी जेट, जो लिथियम बैटरी और 4.8 किलोवाट बैकअप के साथ है। दूसरा हमारा जो मॉडल है एनर्जी 45, जो लिथियम बैटरी 2.4 किलोवाट बैटरी बैकअप। तीसरा मॉडल है हमारा एनर्जी रैप, जो आपका SMF बैटरी मिलता है विद बेंच 4.8 किलोवाट बैकअप। अगला जो है हमारा एनर्जी कोलेक्ट्रल, जिसमें आपको बैटरी बेंच मिलता है, बैटरी बैकअप जहाँ पे आपको 2.4 किलोवाट का मिलता है। और लास्ट जो हमारा मॉडल है वो है एनर्जी फोकस, जो विदाउट बैटरी और बेंच ही मिलता है, ओनली स्ट्रक्चर और पैनल्स मिलता है, तो आप प्लग एंड प्ले करके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 टॉप मॉडल्स थे जो हम अभी अपने मार्केट में निकाला है। तो इसी से रिलेटेड आपको जरा आप जब क्लाइंट से मिलने जाएंगे तो आपको इसी से रिलेटेड पिच करना होगा। तो ये बेसिकली एक कंपैरिजन शीट है अलग अलग मॉडल्स के बीच में। तो एनर्जी फोकस, एनर्जी कोलैटरल, एनर्जी रैप, एनर्जी 45, एनर्जी जेट, इससे रिलेटेड। तो जैसे पैनल्स में बताया कि सब में 400 वाट के 6 पैनल्स है, स्टैंडर्ड है, स्ट्रक्चर सब में स्टैंडर्ड है। इन्वर्टर का ऑप्शन जो पहला वाला है उसमें माइक्रो इन्वर्टर है आपका एनर्जी फोकस में, क्योंकि तो उसमें स्टोरेज स्पेस नहीं है, बाकियों में आपको अवेलेबल नहीं है वो। अगर बाकियों में आपको स्टैंडर्ड हाइब्रिड ऑफ ग्रिड इन्वर्टर मिलता है 2000 वाट का। स्प्रिंकलर का ऑप्शन ऑप्शनल है, अगर कस्टमर चाहे तो ले सकता है, अगर नहीं चाहिए तो नहीं ले सकता है। तो ये कुछ आपके स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सुपर इम्पोज गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर स्टील पाइप विद पाउडर कोटिंग, तो ये जनरली अच्छी क्वालिटी का होता है। आपका जो टेस्ट भी होगा, ये आप सेक्शंस को थोड़ा आप ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके जो टेस्ट में सवाल होंगे उसमें से एक मोटा सेक्शन सरपोर्ट से रिलेटेड होगा। तो आप जो भी सवाल पूछना चाहे एंड में रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस टेस्ट में आपसे लिया जाएगा, उसमें लास्ट में इससे रिलेटेड थोड़े सवाल ज्यादा होंगे। आप थोड़ा ज्यादा फोकस पे दीजिएगा। अगले मैंने बताया कि बेंचेस का ऑप्शन है कि नहीं, बैटरी बैकअप कौन सा मिल रहा है इसमें, लाइटिंग अरेस्टर, तो अलग अलग फीचर्स है ऐप ये करके। तो ये डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिए कि कौन से मॉडल में क्या चीज है और क्या नहीं है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये 2 स्लाइड्स है आपकी, ये कुछ इमेजेस हैं सपोर्ट की। तो जनरली अगर आपके किसी कंपनी के रूफ पे लगा हुआ है, तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि 5 लोग 4 लोग बैठे हैं बड़े आराम से, बीच में टेबल का स्पेस है जो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको कोई फैमिली घर में फार्म हाउस में लगाना है, किसी को रिजॉर्ट में लगाना है, होटल्स में लगाना है, बैंक्वेट्स, मतलब जो भी स्पेस जहाँ को लगता है कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अलग अलग स्पेसेस में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पार्क हो गए आपके, तो मेरे दिमाग में जो जो चीज आ रही है, वैसे जो आप देख रहे होंगे इस प्रोडक्ट को, तो आप भी अपने दिमाग में बहुत सारी जगहों को रिलेट कर पा रहे हो कि जहाँ पे प्रोडक्ट इजिली आ सकता है और लुक एंड फील को बढ़ा सकता है। पार्किंग एरिया मतलब ऐसे मैं जब देखता जा रहा हूँ जितना, तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आया जा रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा होगा कि प्रोडक्ट कहाँ इंस्टॉल हो सकता है। फिर ये प्रोडक्ट की साइड व्यूज की साइड से कैसा दिखेगा, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको बताया था कि पानी की ये जो सीट्स है, इसके अंदर वाटर इनलेट का ऑप्शन भी है, जिसमें आपकी 4 सीट्स है बेसिकली, एक में 150 लीटर पानी आ जाता है। तो ये बेसिकली एक तो फीचर इसका ये था कि आपका जो बैटरी इन्वर्टर जो अंदर ही स्टोरेज होगा सीट्स के, उसको कूल रखे, प्लस जो स्ट्रक्चर है आपका स्ट्रक्चर को भी वेट देगा। तो ये ऑलमोस्ट 600 लीटर के आसपास पानी चारों में फिलअप होगा, जो आपको स्ट्रक्चर को जमीन से जोड़ के रखने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए आपको बेसिकली हेल्प करेगा। तो ये साइड व्यू इमेज था जिसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ये होकर के, बहुत सुंदर है, सामने से आप देखेंगे तो और सुंदर लगेगा आपको। ये साइड व्यू है बेसिकली, साइड से जो आप देख सकते हैं कि हमने नीचे ब्रांडिंग करी हुई है, इसमें हमने बार कोड दिया है जिसको स्कैन करके आप इससे रिलेटेड वीडियोस, कंटेंट, इन्फॉर्मेशन और देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर डिजाइन प्रोडक्ट है ये। आमने सामने अगर 2 लोग बैठे हैं तो क्या स्पेस है, तो देख सकते हैं, जैसे कि आपके नीचे सॉकेट्स हैं इसमें, मोबाइल और लैपटॉप के सॉकेट्स, तो आप USB पोर्ट्स इसमें दी हुई है, जिसके थ्रू आप कनेक्ट करके अपना मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने घर के पार्क में लगाया है या कहीं फार्म हाउस में लगाया है, किसी कस्टमर ने जिस जगह पे लगाया है, तो वो उस जगह पे अपना वर्किंग कर सकता है। तो ओपन में बैठ के, आजकल में बहुत सारे लोगों को खुले में बैठ के काम करना पसंद है, तो वो है। तो रात को भी आप इसमें बैठ के काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइट का फोकस भी है, प्लस आपका लैपटॉप चार्ज का ऑप्शन है, तो आप लैपटॉप प्लग एंड प्ले करके कोई सिस्टम कनेक्ट करना है छोटा सा, तो यूज कर सकते हैं। तो उस फीचर को ध्यान में हमने मल्टीपर्पज यूज के हिसाब से बनाया हुआ है। तो ये सामने भी था कि अगर 2 लोग बैठेंगे तो कैसा आपको दिखेगा। फिर ये हमारा जो लास्ट मॉडल है, जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर है, जिसमें आप नीचे अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशन शेयर कर सकते हैं, तो ये भी प्लग एंड प्ले है, डायरेक्ट आप लगा के यूज कर सकते हैं। तो ये इमेजेस मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये इमेज है जहाँ पे 4, 5, 6 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं चाय कॉफी के साथ। ये साइड व्यू है, ये बेसिकली रेयर व्यू है प्रोडक्ट का।
ये फ्रंट अगर दो लोग बैठे हैं आमने सामने लैपटॉप पे बैठे तो कितना स्पेस है, तो आप देख रहे काफी स्पेस है जहाँ बीच में भी लोग आराम से टेबल पर लगा के इजिली बैठ के स्नैक्स कुछ ना कुछ पेपर वर्क के कुछ भी यूज कर सकते हैं उस स्पेस को। ये एनर्जी फोकस वाला इसका स्ट्रक्चर वाला पार्ट है कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होगा तो कैसे दिखेगा। तो ये बेसिकली था आपका सर्व पोर्ट से रिलेटेड, आई होप आप सबको समझ आया होगा। मैं जानता हूँ कि एट वन गो ये सारी चीजें एब्जॉर्व करना कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये सेशन जब खत्म होगा तो पीपीटी हम आप सबको शेयर कर देंगे प्लस इसका वीडियो लिंक भी आपको शेयर कर देंगे, तो आप लोग जब भी टाइम निकाल के इससे रिलेटेड चीजें पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कभी भी एनी टाइम पूछ सकते हैं। तो ये एक और इमेज है टॉप व्यू इमेज बेसिकली कि प्रोडक्ट दिखता कैसा है ऊपर से पैनल्स जब लगते हैं फिक्चर्स जो करके। तो ये बेसिकली बैटरी और इन्वर्टर स्टोरेज है। तो एक और फीचर ये है जो इसका जनरली आप कोई सोलर जब लगवाते हैं अपने घरों में तो लोगों को स्पेस अलग से बैटरी के लिए इन्वर्टर के लिए देना होता है, जिसमें आपके जो बेंचेस ही है बेंचेस के नीचे स्टोरेज स्पेस है जहां पे अपना बैटरी और इन्वर्टर लगा सकते हैं। तो आपकी जो वायरिंग जाती है जो जनरली बहुत खराब लगती है वो इसमें है नहीं, तो आपका बैटरी और इन्वर्टर स्टोरेज स्पेस नीचे ही है। ये बेसिकली इन्वर्टर स्टोरेज स्पेस है, ये आपका बैटरी स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे अपना बैटरी इन्वर्टर रख सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली प्रोडक्ट रिलेटेड था। आई होप आप लोगों को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आई होगी। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जनरली आपसे शायद पूछेंगे लोग कि इसको किस डायरेक्शन में रखना है। तो आपको जो डायरेक्शन इसकी रखनी है ईस्ट और वेस्ट, तो आपके जो पैनल्स आएंगे इस तरीके से आएंगे जहाँ पे ईस्ट आपका इस तरफ होगा और वेस्ट, ताकि साउथ से उसको मैक्सिमम रेज मिल सके। तो उसके रिलेटेड आप कुछ इमेजेस हैं जो रेफरेंस हमारे पास पीपीटी से टेक्निकल वाली, तो साउथ हल्का सा इसका टिल्टेड भी है ताकि मैक्सिमम सन से रेज ले सके। तो जब टेक्निकल शीट आपको भेजेंगे तो उसमें सारी ये डिटेल्स होगी, सारा पता होगा आपको। ये पार्ट था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, आप रिलेट कर पाए होंगे। अब आप सबके मन में सवाल होगा, ठीक है भाई कंपनी के बारे में समझ लिया, प्रोडक्ट जो बेचना है उसके बारे में समझ लिया, आगे क्या? तो मैं आपको बताता आगे क्या होगा। आगे होगा आपका एक ऑनलाइन टेस्ट। तो जैसे ये सेशन खत्म होगा उसके बाद हम आपको एक लिंक भेजेंगे जिसमें 20 सवाल होंगे जो भी हमने सेशन में कवर किए इससे रिलेटेड। इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, तो हर सवाल का जवाब देने के लिए एक मिनट। और ये आप जो लिंक है एक ही बार कनेक्ट कर सकते हैं एक ही ईमेल आईडी से, तो आप मेक श्योर कीजिएगा आप बार बार अटेंड ना करें, एक ही बार टाइम निकाल के आप अटेंड कीजिएगा। तो आपको हम जनरली आप जैसे लिंक क्लिक करेंगे आपको टाइम स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपके ऑप्शन होंगे, तो आप जो भी सवाल आएगा उसमें ऑप्शन आएंगे 4 ऑप्शन जिसमें आपको सही जवाब चूज करना होगा। तो जो भी सवाल पूछा जाएगा बहुत ज्यादा मुश्किल और टेक्निकल नहीं है, लेकिन जो भी हमने भी सिस्टम से रिलेटेड आपको बताया है प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड उसके बारे में, तो टेस्ट हम इसलिए करना था कि हम समझ सके कि आपको कितना समझ आया। अगर आपको और समझाने की दिखाने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताने की जरूरत है तो इससे हम कर सके। तो जो अगला स्टेप होगा टेस्ट के बाद, जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा सर मित्रा रिप्रेजेंटेटिव का, जो ऑथेंटिकेट करेगा कि आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ताकि आप जब किसी कस्टमर से मिलने जाएं तो आप उसको वो दिखा सके एज अ प्रूफ कि आप हमारे कंपनी से एसोसिएटेड। आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपका नाम डिटेल सब लिखा होगा जो हम आपको भेज देंगे वंस यू आर थ्रू विद द टेस्ट। उसके बाद आपको बताया जाएगा आपका इंसेंटिव और रीइंबर्समेंट प्लान क्या होगा, तो जो भी आप प्रोडक्ट सेल करेंगे उसकी प्राइस क्या है प्लस उस प्राइस में आपको आपका क्या कमीशन मिलेगा या आपका इंसेंटिव क्या मिलेगा, प्लस जब आप लीड्स पे जाएंगे उसका रीइंबर्समेंट कैसे होगा, लीड्स आपको कैसे मिलेंगी। तो आपको मोटा मोटा थोड़ा बता देता हूँ कि लीड्स जो है हमारी तरफ से हम लोग खुद ही मार्केटिंग अलग अलग कैंपेन सोर्सेज के थ्रू हम जनरेट करेंगे, जो आपकी सिटी में जिस जगह पे आप हैं उस जगह के, फॉर एग्जाम्पल कोई आगरा में और आगरा से रिलेटेड हमारे पास कोई लीड आएगी तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपसे पूछेगी आपकी अवेलेबिलिटी, अगर आप अवेलेबल है तो आपको लीड पास ऑन की जाएगी, आप उस लीड को जाके अटेंड करते हैं और वो लीड क्लोज होती है तो एक सर्टन अमाउंट है जो आपको मिलेगा, वो आपको हम आगे डिटेल में बता देंगे वंस ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। लीड सपोर्ट मैंने आपको बताया कि हम लोग अलग अलग वेरियस सोर्सेज से, हमारे सोशल मीडिया पेजेस से, व्हाट्सएप से, ईमेलर से, अलग अलग सोर्सेज से हम लोग व्हाट्सएप लीड कैंपेन चलाएंगे जिससे जो क्वेरीज जो कस्टमर जनरेट होंगे वो आपको एलोकेट किए जाएंगे। उसके अलावा आपको एक वेलकम किट मिलेगा जिसमें आपको कंपनी से रिलेटेड 2 टी-शर्ट्स मिलेंगी, कैप मिलेगी, एक बैग मिलेगा जिसमें आपको बेसिक किट होगा कि आप जब सोलर के लिए साइट पर जाते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जो है सेल्स सपोर्ट, तो आपको डेडिकेटेडली हमारी तरफ से एक कोऑर्डिनेटर मिलेगा, सेल्स कोऑर्डिनेटर, जो आपके पास आपका 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा आपके हर एक क्वेरी के लिए, तो वो आपको डेली आपसे कनेक्टेड रहेगा एज पर योर एबिलिटी,
और आपको डेली जो भी लीड्स है, लीड्स रिलेटेड अपडेट लेना, आपको कोई भी टेक प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी सपोर्ट चाहिए हो देना, तो आपको एक सपोर्ट हमारी तरफ से सेल सपोर्ट हमेशा रहेगा। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड के स्टेप है। तो जैसे ही सेशन खत्म होगा आपको एक हम लिंक भेज देंगे टेस्ट का, टेस्ट आप क्लियर करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग अ सर्विसर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये नाम है जिससे आप कहलाए जाएंगे, SMR उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, तो बोलेंगे सर मित्र रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली इंसेंटिव प्लान आपको डिस्कस किया जाएगा, आपका इंसेंटिव और रिइंबर्समेंट प्लान क्या होगा, लीड सपोर्ट आपको कैसे मिलेगी, डिटेलिंग वेलकम किट आपको कैसे डिस्पैच होगी, और सेल सपोर्ट क्या रहेगा, ये सब करके। तो ये है हमारे आगे का वे फॉरवर्ड का मिशन। अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा Q&A सेशन पे। तो Q&A में ले जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस जिसका जो भी सवाल है वो रेज हैंड करे, ताकि मैं उसको अनम्यूट कर सकूं और वो अपना सवाल पूछ सके। तो आप में से जिस जिसके जो भी सवाल है, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जिस जिसने हाथ उठाए एक बार एक अपने आप को अपना हाथ नीचे करके वापस जो जो सवाल पूछा था एक एक करके आप लोग अगर करेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आपके सवालों का जवाब दे पाना। तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो आप में से जो भी सवाल पूछना चाहे वो सवाल पूछ सकता है। तो इसमें मैं मतलब इसको सेशन को आप हम Q&A में जाएं उससे पहले मैं आपको एक लाइन बता दूं कि जितना आप ज्यादा बेचेंगे उतना आप ज्यादा अर्न करेंगे। तो मैं आपको छोटी फिगर देता हूं जो आपको हेल्प करेगी समझने में। तो इस सर मित्र प्रोजेक्ट के थ्रू आप महीने में 15,000 से 1,00,000 तक इजीली कमा सकते हैं। अभी आप कैसे कमाएंगे, क्या कमाएंगे, वो टेस्ट के बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या होगा। तो उसका जो भी डिटेलिंग होगी आपको मिल जाएगी। तो आप में जिस जिसके सवाल है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना हाथ उठाएं ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं और आप अपने सवाल पूछ सके। चंदन जी आपका कोई सवाल है? काफी लोगों ने हाथ रेस किया है, तो मैं एक एक करके लोगों को ऑप्शन देता हूँ क्योंकि काफी से लोगों के काफी सवाल है। आकाश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आकाश जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आपका जो भी सवाल है आप वो पूछ सकते हैं। अगर आपको सवाल पूछने में दिक्कत आ रही है तो आप सवाल लिख भी सकते हैं क्योंकि मेरे पास Q&A में काफी सवाल आए हैं, तो अगर आप सवाल उसमें भी डाले तो मैं उसमें भी आपको जवाब दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि माइक में दिक्कत आ रही है, तो मैं एक कुछ चैट मेरे पास Q&A में क्वेश्चंस आए हैं लोगों के, तो मैं उसी से आपको पूछ कर बताता हूँ। तो एक सवाल आया कि सरपोर्ट कितने किलोवाट तक लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सरपोर्ट के दो वर्जन है, 2.4 किलोवाट और 4.8 किलोवाट, तो ये दोनों आप लगा सकते हैं। सरपोर्ट का कॉस्ट किसी ने पूछा है, सरपोर्ट के 500 मॉडल की कॉस्ट अलग है। तो जनरली ये जो कॉस्ट शुरू होता है 2.5 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए तक जाता है कॉस्ट इसका। तो जब सेशन खत्म होगा तो आपको हम डिटेल में इसके प्राइसिंग रेट्स सब भेज देंगे। इसने सवाल पूछा कि कैन इट बी प्लग्ड इन नॉर्मल इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। तो हाँ, इसके लिए मैंने बताया कि 16 एम्पीयर का एक सॉकेट लगता है जो इजिली मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, जब किसी ने पूछा कि नो सेपरेट सॉकेट्स विल बी रिक्वायर्ड एज वी हैव इन नॉर्मल इन्वर्टर्स, हाँ इसके लिए अलग से सॉकेट की जरूरत है, एक नॉर्मल 16 एम्पीयर का सॉकेट लगता है जो हम लगा के आपको आप लगा के यूज कर सकते हैं। किसी का सवाल है कि सरपोर्ट में हम कौन कौन से सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं। तो सरपोर्ट आपको जनरली 8 से 10 यूनिट देता है, तो आपके जो छोटे सिस्टम्स हैं आपके घर के लाइटनिंग फैंस ऐसे छोटे सिस्टम आप चला सकते हैं। टीवी हो गया आपका, लाइट्स हो गई, फैंस हो गया, फ्रिज हो गया आपका, वॉशिंग मशीन, ऐसे छोटी चीजें आप ऑपरेट कर सकते हैं इजिली बिना किसी दिक्कत के। प्लस किसी का सवाल है कि उसमें बैटरी बैकअप कितनी जगह मिलता है। तो बैटरी बैकअप आपको जनरली जो आपका दो मॉडल्स है, एक आपका 2.4 किलोवाट वाला है, इसमें आपकी 1600 वाट का होता है इसमें, और करीब आपको 1.5 घंटे का बैकअप मिल जाता है इसमें। तो अगर फुल चार्ज होगा ये तो 1.5 घंटे का आपका बैकअप देता है। और 4.8 किलोवाट जो होता है आपका वो करीब आपको 3 से 4 घंटे के आसपास का बैकअप। ये दो थे। इसके अलावा मैं सवाल क्योंकि मैं अनम्यूट कर रहा हूँ लोगों की आवाज नहीं आ पा रही, तो मैं Q&A से सवाल निकाल के ही जवाब दे रहा हूँ। मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ अनम्यूट करने का। अगर चंदन जी मैं आपको फिर से एक बार अनम्यूट करता हूँ, आप कोशिश कीजिए अगर आपने सवाल पूछ सके तो। चंदन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो एक बार अपना हैंड आप हटा के वापस रेज कीजिए। हाँ जी सर, आप एक बार अपने आपको अनम्यूट कीजिए, आपके तरफ से अनम्यूट हो रखा है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अपने आपको। मैंने मेरी तरफ से आपको परमिशन है बोलने की। हेलो। हाँ जी चंद्र जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, आप सवाल पूछ सकते हैं सर। जी सर, मैं बक्सर जिला से हूँ, बिहार से, और सर मित्रा की हमने ट्रेनिंग ली थी 2018 में,
तो जी उसी के रिगार्डिंग से ये कॉल आई थी हमें इस प्रोडक्ट के बारे में। एक्चुअली हम सोलर पैनल में काम करते हैं बिहार में, और वारी और विक्रम के इन सब चीज़ों के पैनल के से साथ हम काम करते हैं। ठीक है सर। हाँ जी हाँ, तो हमारे कई सोलर पैनल के और इन सब चीज़ों के बैटरीज के काम चलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल हमने आपका ये प्रोडक्ट देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका मॉडल भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है। हेलो हाँ जी हाँ जी बहुत बहुत अच्छा लगा सर सुन के। बोलिए बोलिए सर। जी सर, तो ये जो पैनल हमने देखा, आपका डिजाइन काफी, स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, इसके अंदर सिटिंग एरिया भी है, आप गेट टुगेदर भी हम कर सकते हैं, तो और इसका मॉडल और सब चीज बहुत ही अच्छा है, और इसका पावर कंजम्पशन भी आप बता रहे हैं 2.4 किलोवाट से लेकर के 4.8 किलोवाट तक है, विद लिथियम बैटरी के साथ है, तो ये काफी यूनिक मॉडल लग रहा है, मार्केट में चलने वाला मॉडल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सर ये मार्केट में चलेगा नहीं है, बहुत ही तेजी से चलेगा, और जैसा कि अभी मैंने देखा है सर, हाल फिलहाल में ग्रीन रेवोल्यूशन पे भी काफी चीजें चल रही हैं, बिल्कुल उस सर। लोग को और हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलते रहिए सर सुन रहे हैं जी हम। सर, समाज में जैसा कि अभी भी देख रहे हैं सर, पहले से पोल्यूशन वगैरह को इसको मद्देनजर रखते हुए भी गवर्नमेंट भी इन सब चीजों पे सब्सिडी वगैरह का प्रावधान दिया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, प्रोडक्ट भी काफी यूनिक है, हम मार्केट में इसे सप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं सर, तो इसमें तो हम जो आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें जुड़ने के लिए सर क्या क्या करना होगा, आपने जो टेस्ट वगैरह दिया है हम देंगे, बिल्कुल देंगे सर, और उम्मीद करेंगे कि हम उसमें पास हुए और हम आपसे जुड़ सकें सर। बिल्कुल सर बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और मुझे मेरी और मेरी टीम को बहुत अच्छा लगा कि आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। तो जी आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने टाइम निकाल के सेशन अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोई आपका सवाल भी है ऐसे प्रोडक्ट शुक्रिया से रिलेटेड जो आप पूछना चाहें हम आपको बता पाए? सर। ये जैसे कि हम सवाल ये है सर कि जैसे कि अगर इस प्रोडक्ट को अगर हम सेल भी करते हैं, तो इसमें जैसे कमीशन कितने दिनों में हमारे पास आएगा, और ये ऐसा कुछ जो प्रावधान आप बता रहे हैं इमीडिएट तो। सर इसमें इमीडिएट मिलेगा। आप जैसे ही हमारा सर्वपोर्ट बेचेंगे, हमने इसमें कोई मंथली हाँ वीकली या डेली स्कीम नहीं रखी है। आप जैसे ही प्रोडक्ट बेचेंगे हमारे पास पैसा आएगा, उसके कुछ हाँ घंटों के अंदर आपके पास पैसा आ जाएगा। अच्छा, हमने कुछ इसमें कोई घंटों टाइम का पीरियड डिले नहीं सर रखा है। उसके। हर प्रोडक्ट की सेल पे आपको आपका इंसेंटिव मिल जाएगा। अच्छा, तो सर ये तो रहिए आपका आ जाएगा, उसके लिए कुछ फॉर्म वगैरह नहीं फिलअप करना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रजिस्टर ऐसा कुछ तो नहीं है ना, जो कस्टमर या। आप आपकी हाँ तरफ से जो कस्टमर आएगा उस हाँ कस्टमर की से डिटेल ली जाएगी हमारे द्वारा, और उसके नाम पे हम फॉर्म आपसे तो हमने फॉर्म भरवा लिया है, केवाईसी फॉर्म जो आपने ज्वाइन किया, तो आपकी डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं। तो आप जिस हाँ कस्टमर के पास जाएंगे, जो कस्टमर लेगा ना उसका जो बिलिंग डिटेल शिपिंग डिटेल जो जनरली हम लेते हैं बिलिंग के टाइम पे, वो ही हाँ लिया हाँ जाएगा और अच्छा उसको अच्छा बिलिंग में हाँ अटैच कर दिया जाएगा। तो तो हमारी टीम सर आपसे जै कनेक्ट करेगी जैसे ये सेशन खत्म होगा ना, आपका टेस्ट खत्म होगा, तो आगे हाँ जो कैसे हाँ प्रोसीड करना है, क्या करना है, आपको कैसे लीड्स मिलेगी, ये सारा अच्छा आपको अच्छा बताया जाएगा। जैसे आपको पहले हाँ बताया गया था सेशन से पहले, तो सेशन के हाँ बाद भी आपको सारी चीज बताई जाएगी। अच्छा। और सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका कुछ अमाउंट रहेगा, हर एक पांच मॉडल है, पांचों मॉडल का अमाउंट अलग अलग रहेगा, तो जो अमाउंट रहेगा सर, अगर हम क्लाइंट को अगर पिच करेंगे ये प्रोडक्ट, और वो वहां से उन्होंने कहा कि सर डिस्काउंट ऑफर कुछ डिस्काउंट कीजिए, क्योंकि आपको पता है सर कि सेल्स लाइन में भी डिस्काउंट वगैरह मांगते हैं ग्राहक, तो उनको बिल्कुल देने के लिए क्या हमारे पास कुछ सर वही कह रहा ऐसा मैं आपको, एक्स्ट्रा। ये सारी डिटेल्स जो है हम लोग आपको जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद हमारी टीम कनेक्ट करेगी, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी कैसे होगा, डिस्काउंट क्या होगा तो क्या होगा, कैसे इसका प्रोसेस होगा, कस्टमर से क्या बात अच्छा करनी है, अच्छा वो सारा आपको बताया जाएगा सर। हाँ, तब ठीक है उसी में सर, रहेगी हमारी हम टीम और हम आपके पूरे सपोर्ट में रहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, तब तो बहुत अच्छी बात है सर, आप हमारे सपोर्ट में रहिएगा, हम बिल्कुल इससे ज्वाइन करना चाहेंगे सर, इसके आगे की भी गतिविधि हम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास क्वेश्चन आंसर का जब आएगा हम उसका जरूर सॉल्व करके हम भेजेंगे, और हम ज्वाइन होना चाहते हैं सर इस प्रोडक्ट के चंद्र जी साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को अटेंड करने के लिए, और आपने जो तारीफ की है प्रोडक्ट और हमारी इसके बारे में उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कोई सवाल पूछना चाहेगा? एंकर कुमार गौतम जी हैं। एंकर जी मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, तो आप अपना सवाल, एंकर जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी एंकर जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर इसमें डिजिटली क्या स्कोप है, जैसे मान लीजिए अगर वेबसाइट या सोशल मीडिया के थ्रू अगर मैं अप्रोच करना चाहूँ क्लाइंट्स को, तो जैसे एक स्पेसिफिक एरिया में
आपका एक जैसे स्पेसिफिक एक एरिया होगा कि जहाँ पे अपने आप अपने सेल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं रुद्रपुर सिटी का हूँ उत्तराखंड से, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे डोमेस्टिक जो है बहुत ज्यादा यूज कोई करता है मतलब सोलर्स का। एक्चुअली यहाँ पे इंडस्ट्रियल वे में देखा जाए तो कमर्शियल बहुत सारे यहाँ पे सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं, कई प्लांट मतलब कई फैक्ट्रीज में, और डोमेस्टिक यूज बहुत कम होता है यहाँ पे। तो अगर आपके इस नए प्रोजेक्ट के थ्रू अगर मैं चाहूँ, जैसे कि जैसा पर जो नया प्रोजेक्ट है वो काफी मतलब इनोवेटिव है और एक्चुअली ये थोड़ा सा एक पोर्टेबल हो जाता है लोगों के लिए यूज करने से, कि कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है कि वो क्लीनिंग मेंटेनेंस करना और मतलब उनको जगह अपने एक बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना एंड ऑल, तो ये एक सबसे देखा जाए तो पोर्टेबिलिटी के सबसे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है ये आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं इसे लाइक एक कैंपेन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे जैसे कि अगर क्लाइंट्स के पास मैं डिजिटली मैं इसको अगर कैंपेन करना चाहूँ और लाइक क्योंकि डोर टू डोर जाके इस तरह से आपको मतलब उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि ऐसे सिटी में जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब यूज नहीं होता, तो जैसे मुझे इस सिटी में बिल्कुल स्टार्ट से मुझे शुरू करना होगा बिल्कुल लाइक इनिशियल से। समझ गए सर। तो हमने हमारे जो मार्केटिंग कैंपेन सरपोर्ट से रिलेटेड बनाई है वो बनाई है स्टेट वाइज, जो भी हमारे सर मित्र रिप्रेजेंटेटिव जैसे आपने बताया कि आप रुद्रपुर से हैं, तो हम रुद्रपुर को फोकस करते हुए हमारे मार्केटिंग कैंपेन रन करेगी ताकि जो रुद्रपुर के जो क्लाइंट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स वहाँ पे हैं, उनको इस प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाए। तो जैसे हमें वहां से कोई लीड जनरेट होती है, कोई इंडस्ट्री कोई क्लाइंट इंटरेस्ट दिखाता है कि हम इस पे और जानना चाहते हैं, तो वो लीड आपको पास ऑन करेंगे ताकि आप उस कस्टमर से जाके मिले, बात करें, उसको और इन्फॉर्मेशन दें। आपको जैसा सपोर्ट जिस तरह का सपोर्ट आप इस प्रोडक्ट को पिच करने के लिए सेल करने के लिए हमसे मांगेंगे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि मैं सूर्य मित्र का मैंने कोर्स किया हुआ सोलर का ही, और फिलहाल मैं सोलर फील्ड में काफी मतलब काम भी कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं जैसे 1.5 मेगावाट्स के और 168 किलोवाट के मैं काफी प्लांट्स यहाँ पे खुद हैंडल करता हूँ उत्तराखंड में। हाँ जी, हाँ जी। तो और मैं डिजिटल मार्केटिंग भी मैंने कर रखी है, तो जैसे कि मुझे डिजिटली मार्केटिंग का तो ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस वैसे फिजिकल मार्केटिंग से। हाँ जी। और मतलब मैं कैंपेन्स वगैरह रन करना, वेबसाइट्स हैंडलिंग है और सोशल मीडिया हैंडलिंग, ये सब चीजें ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। और दूसरी चीज कि मैं सोलर पे भी काफी टाइम से हूँ, तो आई थिंक कि मैं कर सकता हूँ कुछ बेहतर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने इसलिए एक्चुअली आप सबसे इस कनेक्ट इसलिए किया कि आप ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आपके खुद के बहुत सारे कनेक्ट है जहाँ पे आप इसको पिच कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा चाहिए होगा मिलेगा आपको। Okay, और जो भी आपके क्वेरीज जो भी हेल्प आपको चाहिए होगी और बड़ी कोई लीड है जहाँ पे आपको लगता है कि हमें से किसी की आके मिलने से कुछ हो सकता है, तो हम उसके लिए भी तैयार है। ओके ओके सर जी। तो हम लोग बेसिकली हैंड इन हैंड इसमें जाएंगे, पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा इसमें जी। ओके, इस सेशन के बाद में आप मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, हम लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपकी जो भी क्वेरी होगी पूरी हमने एक टीम सेपरेट टीम इसके लिए स्टेबल की है जिसमें सेल्स कोऑर्डिनेटर है जो आपसे डेली बेसिस पे कनेक्ट करेंगे। तो आप उनको कभी भी फोन करके आपने कोई क्वेरी कोई हेल्प कोई सजेशन कोई फीडबैक एनीथिंग आपको लगता है जो इस प्रोडक्ट की सेल को सोलर को प्रमोट करने में हेल्प कर सके हम करेंगे इसके लिए। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आयुष अंकर जी इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगला मैं दीपक कुमार जी आप सवाल पूछ सकते हैं। दीपक कुमार जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। दीपक जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आप बोल सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो हेलो जी सर। दीपक जी नमस्कार, बताइए सर। अरे सर मैं जानना चाहता हूँ इसमें कौन सा प्रोडक्ट है। सर सोलर का प्रोडक्ट है ये, सरपोर्ट हमारा पैनल है, सोलर पैनल है, पैनल है पूरा सर, कंप्लीट सेट है ये आपका जिसको आप डायरेक्टली लगा के यूज कर सकते हैं। पैनल्स है, बैटरी है, इन्वर्टर है, स्ट्रक्चर है, पूरा कंप्लीट सेट है सर ये। जी जी। तो जी। इसको मतलब कैसे हम मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे? आपने ये सेशन अटेंड करके इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, बस सेशन एक खत्म होगा तो सेशन का जरूर आपको एक लिंक आएगा जिसमें आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे। इस पर जो हमने समरी बताई है ना, अभी सेशन लिया था हमने, उससे रिलेटेड आप उसका जवाब देंगे, हम उसका टेस्ट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको उस डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा सर मित्रा रिप्रेजेंटेटिव का। उसके बाद हमारी टीम आपको लीड देगी आपके सिटी में। मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। बाराबंकी में हम लोग मार्केटिंग कैंपेन रन करेंगे पूरी यूपी में, तो ऑलरेडी हमारी टीम ने करना शुरू कर दिया, तो वहां से जो लीड जनरेट होंगी वो आपको दी जाएंगे, तो उन कस्टमर से आप जाके मिल के उनको पिच कर सकते हैं प्रोडक्ट। जी सर। तो आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं सर इस प्रोग्राम में, जब आपने केवाईसी फॉर्म भरा था
जी सर, तभी आप जुड़ गए थे सर। जी सर, ठीक है सर, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी सेशन के बाद। जी सर, आपको जो भी इसके अलावा कोई सवाल आपको लगता है पूछना है तो आप तब पूछ सकते हैं। आगे जो टेस्ट आएगा, टेस्ट को टाइम से भर दीजिएगा। और सर, इसमें सोलर कितने वाट में सप्लाई होता है? जो होता है दो है, एक 2.4 किलोवाट का और 4.8 किलोवाट का है। जी, और इसमें आपके 6 पैनल लगते हैं 400 वाट के। 6 पैनल लगते हैं 400 वाट के? 400 वाट का एक पैनल आपका। जी जी, और इसमें कम में भी है छोटा या नहीं? इससे कम में नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाया 6 के हिसाब से, उससे कम होगा ना तो सिटिंग नहीं हो पाती उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं, जैसे कि अदर कंपनियों में है 100 वाट का भी है, 160। तो हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोग कस्टमाइज बना सकते हैं। हम आपको अगर 100, आपके पास कोई, आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, उसको 100 वाट का सिस्टम चाहिए, 1 किलो वाट का सिस्टम नॉर्मल चाहिए, तो वो सारे लीड भी एंटरटेन कर सकते हैं। ये हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया जो कोई भी इजीली यूज कर सकता है, क्योंकि इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में था नहीं। हम जब सोलर में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो प्राइस, हाँ जी, इसकी प्राइस क्या होती है एक पैनल की? सर, हम लोग पूरा प्रोडक्ट देते हैं आपको। नहीं, पूरे प्रोडक्ट का कितना होता है प्राइस? सर, पूरा प्रोडक्ट आपका जो मैंने बताया, 5 मॉडल्स हैं इसमें, तो स्टार्टिंग जो प्राइस है इसकी 2.5 लाख से है, और टॉप जो प्रोडक्ट है वो 4.5 लाख का है। तो ये सेशन जब खत्म होगा, टेस्ट वेस्ट होगा, उसके बाद आपको इसकी रेट शीट भी हम भेजेंगे, जिसमें आपका हर मॉडल का डिस्क्रिप्शन और प्राइस मेंशन होगा। जी जी, सेलिंग प्राइस मतलब स्टार्टिंग 2.5 लाख से है? हाँ जी, स्टार्टिंग 2.5 लाख से है सर। जी जी, तो इसमें मतलब क्या क्या चीज चला सकते हैं सर? मैंने बताया आपका 2.4 किलोवाट है, तो आप अपना घर में फ्रिज, एसी, टीवी, लाइटें, ये सब चल सकता है आपका इजीली। इसकी वारंटी वगैरह क्या रहती है सर? आपके पूरे स्ट्रक्चर की जो परफॉर्मेंस वारंटी है 25 साल की होती है, बाकी इन्वर्टर बैटरी की आपकी अलग अलग वारंटी है, पैनल्स की अलग वारंटी होती है। तो हम जो आपको कोटेशन बना के देंगे ना, उसमें सारा होगा। इन्वर्टर की आपकी 2 साल की वारंटी है, बैटरी की 2 साल की वारंटी है। बैटरी कितने वाट की है सर? इसमें बैटरी जो आपकी है, ये 26x8 सर, 8 बैटरी है आपकी, मतलब 26 AH की बैटरी है इसमें। जो आपका जो 2.4 वाला है उसमें 26 AH की 8 बैटरी है, जो 4.8 वाला है उसमें 16 बैटरी 26 AH की। अच्छा, तो बैटरी की कितनी है वारंटी है सर? 2 साल। 2 साल, हाँ जी। लिथियम की, इसमें 2 बैटरीज है ना, एक तो SMA बैटरी दे रहे हैं, SMA बैटरी आपकी 2 साल है सर, जैसे 5 साल है। हेलो, हाँ जी सर, जैसे एक बैटरी का प्राइस कितना है सर? वही बताया, वो आपको अलग से, हमारी एक्चुअली चैनल टीम है जो बैटरी पैनल अलग से सप्लाई करती है। तो अगर आपको सिंगल पैनल बैटरी के वैसे रेट चाहिए होंगे, हम आपको सेशन के बाद बता देंगे। आप हमें जिस नंबर से आपको लिंक आया था ना, जी सर, उस नंबर पे हमने क्वेरी भेज सकते हैं कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए। जी, तो आप सब जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपके कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपको इसके अलावा कोई प्राइस जानना है, कुछ भी जानना है, तो जिस नंबर से आपको लिंक आया था उस नंबर से हमें मैसेज आप कर देंगे क्वेरी, तो आपको उस पर रिवर्ट आ जाएगा। तो बैटरी का प्राइस सर, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हैं तो इसको पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं? तो सर, ये ऑप्शन ही हमने बनाया है पार्ट टाइम की, आप इस पे पार्ट टाइम आराम से अर्निंग कर सकते हैं। आपने कहीं भी पढ़ा होगा, आज के डेट में आप कहीं भी देखेंगे एक अर्निंग से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है। तो आप पार्ट टाइम, ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप किसी को भी पिच कर सकते हैं। आप अपने किसी रिश्तेदार से मिले, किसी फ्रेंड से मिले, आपके कोई पुराना बॉस है, आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है, जहां पे आप लगता है वहां पिच कर सकते हैं। जी जी, इसमें आपको अलग से जाके जरूरत नहीं, आपको हमारी तरफ से सपोर्ट चाहिए तो आपको हम लीड भी देंगे कि आप जिस जगह से बात कर रहे हैं वहां पे अगर कोई लीड कस्टमर इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट खरीदने में, तो आपको देंगे, आप जाके उनसे मिलके उनको पिच कर सकते हैं। जी जी, तो आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, आपको जैसा कंफर्टेबल वैसा कर सकते हैं। सर, जैसे कि नॉर्मली एक बैटरी या पैनल इन्वर्टर जैसे सेलिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। हम ऑलरेडी चैनल पार्टनर्स बना रहे हैं पैन इंडिया बेसिस पे, तो अगर आप चाहें हमारा चैनल पार्टनर बनना, तो उसकी प्राइसिंग डिटेलिंग आपको भेज देंगे। वैसे 12 बंकी में हमारे डीलर ऑलरेडी बना हुआ है सर। जी, कहाँ पर? सर, मेरी चैनल टीम के पास डिटेल्स होती है, तो मैं आपको सेशन के बाद उसकी डिटेल्स भिजवा दूंगा। जी जी जी, बाकी हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो उसकी डिटेल मिल जाएगी आपको। जी, हमारी वेबसाइट जो कंपनी की सर्वोटेक की वेबसाइट है, जी सर, उस पर अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू दीपक जी सेशन में ज्वाइन करने के लिए। जी, थैंक यू।
अगला मैं गगन कुमार साहू को अनम्यूट करता हूँ। गगन जी आप अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो आप अनम्यूटेड है, आप बात कर सकते हैं अपना माइक ऑन करके। हेलो गगन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, ठीक है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? हाँ हाँ सर, बढ़िया। हाँ जी सर, बताइए क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली सवाल मेरा दो सवाल है। पहला सवाल है कि इसमें कुछ सब्सिडी वगैरह, आप जैसे बताए कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड आप टोटल दोनों में ये कर रहे हैं, इसका कुछ मटेरियल के ऊपर कुछ सब्सिडी है क्या? सब्सिडी मॉडल कुछ है? सब्सिडी नहीं है इस पे, कोई भी कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, कोई सब्सिडी नहीं है। अच्छा, और एक सवाल, जो आप जो बोल रहे थे प्लॉग इन करने के, हमने इसका डेमो जो सूर्य मित्र के थ्रू इसका एक महीने का जो था ना, 10 दिन या 12 दिन का गीज के थ्रू, वो भी अटेंड किया था। हाँ जी। उसका आपने बोला था कि ये सिर्फ डोमेस्टिक के लिए है या इसको बेच भी पाएंगे हम? कहीं भी लगा सकते हैं सर, इंडस्ट्रीज में। जैसे हमने अभी गुजरात में अक्षरधाम मंदिर में और काफी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में लगाया है, तो वहां पे भी यूज हुआ है। उन्होंने दोनों स्ट्रक्चर्स लिया अलग अलग जगह के हिसाब से, जो गार्डन्स थे उनके पार्क, वहां पे उन्होंने सिटिंग वाला लिया है। अच्छा, और कुछ जगह उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर वाला लगाया है, पार्किंग वाली नहीं। हम जैसे गवर्नमेंट को जैसे अनग्रिड में, हम अनग्रिड में क्या कहते हैं, जो यूज करते हैं और बेच देते हैं, इसको हाइब्रिड में क्या वो सिस्टम हो पाएगा क्या सर? देखो हम इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई कस्टमर चाहे तो वो करवा सकता है। उसके लिए नेट मीटरिंग वगैरह जरूरत नहीं होगा? नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना होगा, अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जनरली आपके ऑन ग्रिड सिस्टम में नेट मीटरिंग मैंडेटरी होता है, इसमें मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। थोड़ा इसको फ्लो में थोड़ा लाइए, उसका सेल को थोड़ा फ्लो में लाइए। आपकी आपकी सिटी में हम लोग अभी बहुत सारे कैंपेन रन के काफी लीड्स आई है, आपसे काफी टाइम से मेरा फॉलो अप चल रहा है, तो हाँ जी हम अब शुरू कर चुके हैं इसको ऑफिशियली। तो कि सेशन के बाद एक टेस्ट आएगा, टेस्ट का आप लिंक करेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपको लीड्स आपके सिटी में देना शुरू करेंगे, आप कस्टमर को अटेंड करेंगे, जैसे सेल होगा हर सेल पे आपको इमीडिएट आपका इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक। अभी कहाँ कहाँ पर उड़ीसा में कहाँ पर अभी आपका कैंपेन चल रहा है, कुछ आइडिया है? कैपिटल सिटीज में चलाया है मेजरली उड़ीसा में, मेजर सिटीज में हमने चलाया। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा अगर आप देंगे हमें और आप चाहेंगे उनके वहां पे कैंपेन लगाना, तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा फॉलो करिए, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर तरीके से कैंपेन रन कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, देखिए काफी सारे न्यूज चैनल में इससे रिलेटेड काफी बातें होंगी। ठीक ठीक ठीक, टाइम टू टाइम आपको हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। ठीक है ठीक, थैंक यू। थैंक यू गंजी, लुक फॉरवर्ड। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू अभिषेक जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप सवाल पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। अभिषेक जी आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं अपना। अभिषेक जी आप आए, एक बार वापस म्यूट करके अनम्यूट कीजिए। आई थिंक अभिषेक जी को नेटवर्क इश्यू है इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपकी जो भी क्वेरी है आप या तो जिस नंबर से आपको लिंक आया था उस पर भेज दीजिए, हम रिवर्ट कर देंगे, अदरवाइज हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आलोक जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जो आपका सवाल है जी सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। दिलीप जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपको मैंने अनम्यूट किया है। तो मुझे लगता है कि जो आप सबके जो जो सवाल होंगे, आपको जिस मैसेज व्हाट्सएप से लिंक आया था उसी व्हाट्सएप पे अपना लिंक आप अपने सवाल लिख के भेज सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे, अदरवाइज हमारी टीम जो आपसे कनेक्ट करेगी तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा अगला जो पार्ट होगा सेशन खत्म होने के बाद आपको एक टेस्ट आएगा, 20 सवाल होगा, आप उसको जवाब दीजिएगा, उसके बाद आपको आगे का वे फॉरवर्ड हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके बताएगी। तो हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, आप सबने अपना जो कीमती समय निकाल के इस सेशन को अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप और हम मिलके इस प्रोडक्ट को और सोलर सेगमेंट में एक मेजर गेम चेंजर बनेंगे, तो उसके लिए आपको हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए पूरा मिलेगा। तो मैं अपनी टीम सुमित, वीरेंद्र को और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। Have a good evening, have a good Sunday. Take care. Bye.